भैया इतने लोग बैठे हैं फिर भी कोई कीर्तन बोल नहीं रहा मुझसे। घर के अंदर से सारे लोग बाहर आ जाओ, इतने लोग बैठे हैं पता चलना चाहिए ना सत्संग हो रहा है। सब बिल्कुल गूंगे की तरह बैठे हो, मुख से भगवान का नाम लो, हाथ से ताली बजाओ, तभी तो पता चलेगा कि भगवान के सामने बैठे हैं। एकदम गूंगे की तरह यहाँ पर बैठे लोग, कीर्तन किस लिए हो रहा है? सभी सब लोग मिलके जब कीर्तन करते ना इसका और दुगना फल मिलता है। देखो वो जो पेड़ है और आप लोगों से मेरे को कोई अंतर नहीं दिख रहा, वो भी ऐसे ही ऐसे खड़ा, आप भी ऐसे पेड़ की तरह जड़े बैठे हो। जड़ जम गया है क्या? अब तक ठंड भी इतना नहीं पड़ गई। हरे कृष्ण। सब पीछे भी जगह आओ, हमारे भक्त लोग जो पीछे भी जगह आते हैं तो आनंद आता है, तो आनंद आने के लिए आप सब लोग हाथ उठा के बोलो बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे भाई आता है जाओ सीख लो भैया, वो लीड निकाल देना, कहाँ गया माइक वाला, कहाँ गया? चलो हमारा अरे में है ना में है। हरि बोल हरे कृष्णा। क्या लाइट चली गई ना क्या? जनरेटर है, चल चलो वहीं पर उसमें लगाओ। ए बच्चा ए उसमें लगाओ, उसमें लाइट आ गई, चलो उसमें लगा। हरि बोल हरे कृष्ण। बोले जी वृंदावन बिहारी लाल की, इसका इतना आवाज है ना। हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण। इसमें लाइट क्यों नहीं आ रही है इसमें? बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। लाइट आ गई? लाइट नहीं आ गई, लाइट आ गई, जनरेटर बंद कर दो। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल। देखो आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो? हाथ उठाओ तो। हाथ उठाओ कि हाथ नहीं उठा रहे, क्या चक्कर है? चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने कि नहीं? कहते ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोले ये कृष्ण ही कलयुग में अपना भक्ति को अपना नाम को प्रचार करने के लिए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में कृष्ण स्वयं राधा रानी की भाव अंग कांति लेकर के आए। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जा रहे थे, अभी मैया बड़ी दुखी हो रही थी, बड़ी दुखी हो रही थी, रो रही थी। हैं, पहले तो एक बेटा सन्यासी बन गया, उसको बाद में पिताजी का स्वर्गवास हो गया, फिर एक ही बेटा, फिर वो एक बेटा भी साधु बन करके जा रहा है। मैया तो बड़ी दुखी हो गई। जब दुखी हो गई तब चैतन्य महाप्रभु मैया को कह रहे हैं, बोले मैया मेरे कलयुग में, और मैं दो रूप में कलयुग में आने वाला हूँ। कितने रूप में? जोर से बोला। हाँ, कहते वो दो रूप में कौन है? बोले एक तो मेरा नाम है, एक मेरा नाम, इसलिए कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम है। जैसे हम, हमारा नाम में फर्क है, लेकिन भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं है। बोले द्रौपदी ने जब नाम पुकारे झट आ गए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए जब गजराज को जब मगरमच्छ ने पकड़ा, केवल हाथी ने नारा, केवल उसने दो अक्षर उच्चारण किया तो इतने में भगवान का सुदर्शन चक्र आकर के मगरमच्छ को काट डाले। इसलिए भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम ना सकई नाम गुण गाई, भगवान का नाम में इतने शक्ति है, भगवान राम भी अपना नाम की महिमा को गा नहीं पाते, इतने महिमा। इसलिए बोले मैया कलयुग में मैं, मेरा एक अवतार है, मैं अपना नाम रूप में आऊंगा। जहां पर आप ठाकुर का नाम लो ना, बस ठाकुर वहीं पर आ जाएंगे, वहीं पर ठाकुर जी आ जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम में बड़ा ताकत है। बोले ये एक रूप है। बोले दूसरे रूप में आएंगे कैसे? जैसे यहाँ लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, यहाँ पर राधा कृष्ण जी है, खड़े हैं, इसलिए कहते ये साक्षात रूप में ये ठाकुर जी है। अब देख रहे हो जैसे गोपाल जी लड्डू गोपाल रूप में बैठे हुए, ठाकुर जी खड़े हैं, लेकिन भगवान जी ये मूर्ति रूप में, अर्चा विग्रह रूप में, ये साक्षात कलयुग में ठाकुर जी आए। इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, इसलिए भगवान और नाम में कोई फर्क नहीं। इसलिए कौन कह रहे हैं? भगवान स्वयं अपना माँ को कह रहे हैं, बोले माँ जब जब मैं मेरी पूजा तुम करोगे, जब जब मैं तेरी मेरे नाम लोगे ना, मैं साक्षात रूप में वही प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए जब हम ये हरिनाम संकीर्तन करते हैं, भगवान स्वयं ये नाम रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए एक भजन गाते हैं, सुंदर लाला सचिरा दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, सुंदर लाला सचिरा दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन।
इसलिए ये भजन में कह रहे हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, जैसे कुछ कुछ माताएं पहले तो घर घर में ताली बजाती हुई कीर्तन करती थी, जब कोई कीर्तन करती थी ना, महाप्रभु बड़े सुंदर थे, जब घर घर में जाते थे उनको लड्डू बड़े सुंदर सुंदर मीठा बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी को देते थे, लेकिन भगवान नहीं खाते थे, ठाकुर जी उसको नहीं खाते थे, बोले किसको देते थे, जब माताएं बैठ करके कीर्तन करती थी ठाकुर जी का कीर्तन, महाप्रभु वहां पर आ जाते थे, और वहां पर जब आते थे तब माताएं पूछती थी, बोले निमाई, महाप्रभु का बचपन का नाम था निमाई, बोले निमाई तुमने यहाँ पर क्यों आए, बोले तुम लोग अभी मेरे को बुला रही थी ना, बोले तेरे को हम कब बुला रहे थे, बोले अभी कीर्तन कर रहे थे ना, कीर्तन मतलब होता है ठाकुर जी को बुलाना, जहां पर ठाकुर का कीर्तन होएगा ठाकुर जी वहीं पर ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब नारद जी पूछे प्रभु आप कहाँ रहते हो, भगवान क्या कहते हैं, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे, बोले नारद दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, बोले योगी नाम हृदय नच, कहते मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ, ठाकुर जी कहते योगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ, बोले फिर कहाँ रहते हो, बोले एक जगह में तुम मेरे को पाओगे, जहाँ पर मेरे भक्तजन बैठ करके मेरे नाम कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए आज समझो यहाँ ठाकुर का नाम कीर्तन हो रहा है ना, ठाकुर जी यही साक्षात रूप में ठाकुर जी यहीं पर विद्यमान है। इसलिए आप लोग सबके सब पीछे हाथ में ताली देते हुए ठाकुर का कीर्तन करो, ठीक है, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अब जोर जोर हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो आप कहीं भी जागरण में जाओ, कीर्तन में जाओ, कथा में जाओ, कहीं भी जाओ ना, जब कीर्तन होता है देखना सबके सब के ताली बजाओ, बोलते हैं ना ताली बजाओ, बोले क्यों कहते हैं ताली बजाओ, एक संत दूसरे संत से पूछते हैं, कहीं भी जाओ कीर्तन सत्संग कहीं, बोले ताली ताली, भैया क्यों ताली बजाने के लिए कहते हैं, बोले जब हम ताली बजाते हैं कहते ये पाप रूपी चिड़िया उड़ जाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास उदाहरण देते हैं, जैसे आंगन में आपने दाल गेहूं सुखाने के लिए दिया, कोई चिड़िया आकर खा रहा है, भगाने के लिए क्या करते हो, अरे बोलो क्या करते हो, ताली बजाते हैं ना, फिर वो चिड़िया उड़ जाती है। इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं ये पाप रूपी चिड़िया आकर सर पर बैठ जाता है, फिर उसको भगाने के लिए क्या करनी चाहिए, ताली बजाओगे तो ये पाप रूपी चिड़िया उड़ जाएगी, लेकिन उड़ करके कहीं तो बैठेगा ना, फिर कहाँ बैठेगा, जो ताली नहीं बजाते हैं, जो ताली नहीं बजाएंगे उसका सर पर बैठ जाएगी। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए सर्वत्र हरि कीर्तन को प्रचार किया, अभी जो पाप बड़ा दुखी हो गया है, पाप बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि जहां भगवान का नाम हुआ पाप रह नहीं सकता है, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, अब ये पाप दुखी होकर के भगवान के पास में गए, बोले ठाकुर जी आप ऐसे नाम लाए हो, सबके सब तेरे नाम ले रहे, मेरा तो स्थान हुआ है ही नहीं जहाँ तेरे नाम लेते हैं, बताओ मेरे को कहीं स्थान दो, बोले देखो जब भगवान का नाम कीर्तन हो, जो व्यक्ति ठाकुर का नाम कीर्तन करते हैं उसका पाप तो ऊपर उड़ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर, जो हरि का नाम नहीं लेगा।
इसलिए सबका पाप जाकर किसके सर पर बैठेगा, जो भगवान का नाम नहीं लेगा। इसलिए जब कीर्तन हो, मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए, ठाकुर जी का नाम लेते हुए सबके सब कीर्तन करो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, श्री राधे गोपाल हरि बोल, श्री राधे गोपाल भज मैं नसी राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोल हरे राम 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 हरे हरे, बोल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोल हरे राम 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 हरे हरे, बोल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, वृंदावन में राधे राधे। हम लोग ने वृंदावन गए हो, कौन कौन गए हाथ उठाओ तो, अरे हाथ उठाओ जोर से, दो दो हाथ उठा लो ना,
अब देखना वृंदावन में ना किसको भी कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कोई नहीं मिलेंगे, किसका नाम लेते हैं? अरे जोर से बोला, और जोर से, हाँ सबके सब वृंदावन में श्री राधा रानी का नाम लेते। बोले राधा जी का नाम क्यों लेते हैं? बोले कारण है, कृष्ण खुद कहते हैं बोले रा शब्द कुर्बन तस्मात ददामि भक्ति उत्तम। अगर कृष्ण के बोले रा बोल दिया ना, कृष्ण कहते मैं अपने आप को दे देता हूँ, अपना भक्ति खुद दे देता हूँ। अगर कोई धा बोल दे, रा और धा दो अक्षर बोले ना, कृष्ण कहते उसको तो पीछे पीछे मैं भागना शुरू करता हूँ। इसलिए कहते ना राधे राधे रट चले आएंगे भैया, बोलते है ना। इसलिए हम लोग जो महामंत्र गाते हैं ये हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे शब्द श्री राधा रानी का नाम, कृष्ण का मन को चित्त को प्राण को हरण करती है, इसलिए वो हरे से ये हरा नाम है, है? हरे मतलब श्री राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, है? इसलिए मैं बोलूंगा वृंदावन में आप लोग सबके सब बोलना राधे राधे, और जहाँ राधे का नाम हो ना वहां पर तो कृष्ण अपने आप आ जाते हैं। बोले वृंदावन में राधे राधे बासुंज में राधे राधे दान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे कुंज गलिनी में राधे राधे बरसाने में राधे राधे साकिरी कोर पे राधे राधे की चौली में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे श्याम कुंड में राधे राधे रंगली गली में राधे राधे की कुंज पे राधे राधे साकिरी कोर पे राधे राधे दान गड़ा में राधे राधे मान गड़ा में राधे राधे विलास गड़ा पे राधे 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 प्रेम से बोला राधे राधे ताली बजा के राधे राधे ताली बजा के राधे राधे ताली बजा के राधे राधे आगे बोला राधे राधे पीछे बोला राधे राधे भैया बोले राधे राधे बेटा बोला राधे राधे नकुल बोला राधे राधे भक्त बोला राधे राधे आवाज नाई राधे राधे मुंह खोला राधे राधे मुंह खोला राधे राधे मुंह खोला राधे राधे भक्त बोला राधे 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 बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। हाँ देखो ये चार युग है, कितना युग है? क्या क्या? सत्य त्रेता द्वापर और कली। सत्य युग में भगवान को कैसे प्राप्त करते थे? बोले ध्यान के द्वारा, क्योंकि पहले लोगों का मन बड़ा स्थिर रहता था। कली युग का जीव का जैसे मन नहीं है, बड़ी आओ तो आंख बंद करते हो, कहते कोई कोई कहते ना ध्यान लगाओ। बोले ध्यान क्या लगाओगे? मन स्थिर हो तो ध्यान लगाओगे? ध्यान कली युग में ध्यान है ही नहीं है। आंख बंद करते बेटा बेटी नाती पोती, कोई कोई शिविर लगता है ना ध्यान शिविर। हमने पूछा क्या ध्यान करते हो? बोले तुम्हें तो आंख बंद करते मेरे नाती पोती बहू बेटा ही दिख रहा था। इसलिए कली युग में ध्यान नहीं है, शास्त्र मना किया है, कली युग में ध्यान का फल नहीं मिलेगा। ये सत्य युग में ध्यान करते थे है। और त्रेता युग में जब आया यज्ञ करते थे, यज्ञ के द्वारा भगवत प्राप्ति करते थे है। लेकिन कली युग में यज्ञ नहीं कर सकते। बोले कारण क्या? बोले यज्ञ करने के लिए पहले तो शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, लेकिन अभी सब गुटखा खाने वाले ब्राह्मण, कोई सिगरेट फूकने वाले, कोई शराब भी पीते हैं, गंजा भी फूकते हैं, इनका मुंह से मंत्र ही उच्चारण नहीं होगा, ये यज्ञ क्या करेंगे? पर मंत्र पत्र को जानते नहीं, श्लोक नहीं जानते, और संस्कृत पढ़े ही नहीं है, और श्लोक पढ़ते हजार उसमें श्लोक में दोष है। इसलिए कली युग में फिर हवन सामग्री शुद्ध नहीं, घी में चर्बी मिला हुआ,
देवता को दोगे तो देवता ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए कलयुग में यज्ञ का भी फल नहीं मिलेगा। फिर द्वापर युग में आया, द्वापर युग में अर्चन है, ठाकुर को सेवा पूजा करना। अभी पूजा सेवा करने के लिए उसमें पहले तो पंचामृत चाहिए, दूध दही शक्कर चीनी उसमें है, उसमें घी ये सब पंचामृत चाहिए, फिर चंदन अगुर कर्पूर ये सब चाहिए। बोले कहाँ से लाएंगे इतना फूल माला, हाँ अपना दिन भर काम करते करते अपना भोजन ही जुटा नहीं पाते हैं, फिर इतने सामान लाएंगे कहाँ से। इसलिए भगवान ने देखा ये कलयुग में ये लोग सभी सब काम कर ही नहीं सकते, इसलिए हम सबसे सरल से सरल उपाय रख ले जो बिना पैसा बिना कष्ट में वो साधन हो जाए। इसलिए भगवान बहुत सोच सोच करके बोले कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नरा उतर ही परा। बोले कलयुग में कुछ भी करने का जरूरत नहीं, महाप्रभु तो कहते जो ढोलकी मजरा भी नहीं हो ना, भगवान तो हाथ दिया केवल दो हाथ में ताली बजाते हुए क्या करो, सबके सब बैठ जाओ घर में, बैठ करके भगवान के नाम जप करो, कोई भी पैसा की जरूरत नहीं, कोई कष्ट की जरूरत नहीं। इसलिए कहते हैं हैं बोले जिह्वा च बसवर्ति न, ये जो जिह्वा हमारी अधीन में है, हैं जिह्वा को जैसे बोलोगे वैसे ये जिह्वा अपने आप वैसे ही कले करेगा है। इसलिए बोले तथापि नरकम जानती किम आश्चर्य अथ परम, कलयुग में बिना पैसा की जीवा तुम्हारी अधीन में तब भी आश्चर्य की बात, कलयुग में जीव नरक जा रहे बड़े आश्चर्य की बात है, तभी कलयुग में जीव हरि नाम करना नहीं चाहते। इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए, भगवान के नाम जप करो, हाथ में काम करो, काम करते समय अगर घर में झाड़ू लगा रहे हो क्या समझो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रही, और हाथ में झाड़ू लगाओ और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो। रसोई कर रहे हो किसके लिए रसोई बना रहे हो, ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हैं, और इधर हाथ में रसोई बनाओ ठाकुर का नाम लो। बच्चों को थपथप लगा कर सुला रहे हो क्या करके, भगवान की नाम लेते हुए भगवान का नाम लो, बच्चों को थपथप लगाओ। उठते बैठते महाप्रभु बोले उठते बैठते सोते सोते क्या करो, हाथ में काम और मुंह में ठाकुर जी का, मुंह में नाम, बस हो गया बड़ा पार है। इसलिए यहाँ पर हमारे बहुत सारे भक्त लोग है, कलयुग में क्यों भगवान का नाम की इतने महिमा, कलयुग में हम भगवान का नाम को कैसे करें, हमारे भक्त लोग ने आपको थोड़ी थोड़ी इसी विषय पर सबके सब थोड़ी सी भगवान की कथा सुनाएगी। हमारे बीच में श्री नवीन प्रभु जी, आपको उनको एक माइक दे दो तो वहाँ से वो माइक दे दो, ये कौन सा माइक, वो वाला ना, ये वाला वो वाला दे दो, उसमें साउंड तेज। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियतमे श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण गोस्वामी नामिने। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तुत श्रीमद् भक्तिवेदान्तनारायण गोस्वामी महाराज जी की चरण सरोज में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, यहाँ उपस्थित समस्त ब्रह्मचारीगण वैष्णवगण और समस्त भाई बहनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन, आज घर में गुरु जी पधारे हैं, संत पधारे हैं, इससे बढ़कर कोई दिवस नहीं होता। और अभी महाराज जी ने गुरुदेव ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें आपको समझाई कि हरि नाम हमें करना चाहिए। अब देखो अगर इतिहास उठा के देखें तो शास्त्रों में हरि नाम की बहुत बड़ी महिमा कही गई है, और ये कलयुग जो है बहुत धन्य कलयुग है। ये चार युग जो है सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जो है चतुर्युग कहलाते हैं। और ये जो कलयुग है ये कोई साधारण कलयुग नहीं है, इसको धन्य कलयुग बोला गया। क्यों धन्य कलयुग बोला गया, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ प्रकटित हुए और इस हरिनाम का सुंदर प्रचार और प्रसार किया। अभी जो महाराज बोल रहे थे, ये जो नाम है इसको हमें अपना जीवन प्राण बनाना चाहिए। एक बार मेरे साथ सब दोहराएंगे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे क्यों हरि नाम ले, क्यों कलयुग में हरे नाम से ही हमारा कल्याण होगा। तो इसमें बड़े बड़े आचार्य गण सुंदर तरीके से हमें बता रहे हैं कि हरि नाम एकमात्र साधन है इस कलयुग का। नारद जी बोल रहे हैं, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरनथा। अर्थात हरि का नाम ही एकमात्र साधन है इस कलयुग में, और कोई विकल्प नहीं है। और कोई विकल्प नहीं, बच्चा हमारा वाला ही ले लो, इसको थोड़ी सी छोरा उसको थोड़ी साउंड कम कर दो। हरे कृष्ण, और कोई विकल्प नहीं है इस कलयुग में हरि नाम के अलावा। ये कौन बोल रहे हैं? नारद जी बोल रहे हैं और जोर देकर के बोल रहे हैं कि हरि के नाम ही से ही कल्याण होगा, इसी से कल्याण होगा, इसी से कल्याण होगा, और कोई विकल्प नहीं है, नहीं है, नहीं। अरे हम लोग जो है भगवान में निष्ठा और भगवान के नाम में निष्ठा नहीं करते, इसीलिए भगवान की महिमा को हम समझ नहीं पाते। जिस प्रकार से हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, इस शरीर को लगती है, लेकिन हम लोग आत्मा है और आत्मा को जो भूख और प्यास लगती है उसकी चिंता ही नहीं करते। जो आत्मा का खुराक है उसकी हम चिंता नहीं करते। रीड को मत पकड़ा करो, ऊपर ही पकड़ो, नहीं जरूरत नहीं। बोलो। तो ठाकुर जी की, तुम बैठे वहीं पर बैठो, ठाकुर जी का नाम क्यों ले, ये मैं बता रहा था। जिस प्रकार से शरीर की खुराक अन्न है, फल है, और प्यास जल है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा की खुराक हरि नाम। और हम लोग शरीर है या आत्मा, कौन बताएगा? हम लोग शरीर है, आत्मा है ना। तो आत्मा को तो भूखा रखते हैं हम और शरीर को खूब हृष्ट पुष्ट करते हैं, पूड़ी हलवा सब खाएंगे, लेकिन आत्मा को भूखा रख देते हैं। इसी वजह से हम लोग बार बार नरक और बार बार जन्म और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यहां स्पष्ट रूप से बताया बड़े बड़े संतों ने कि इस भवसागर को पार करने का एकमात्र साधन हरि नाम। चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे नारद जी हो, चाहे सुखदेव गोस्वामी हो, चाहे वेद व्यास जी हो, सब एक ही बात कह रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवान को हम क्यों पुकारे? भगवान हमसे भिन्न है। भगवान जो है वो सच्चिदानंद विग्रह, सत चित और आनंद के बने हुए शुद्ध विग्रह है। जैसे हम हाड़ मास से बने हुए शरीर हैं, भगवान ऐसे नहीं। भगवान सत चित और आनंद के बने हुए। सत मतलब होता है सनातन, चित मतलब पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद मतलब आप सब जानते हैं पूर्ण आनंद जिसमें विद्यमान होता है वो भगवान है। आज ऐसे ही भगवान के अवतार श्री वरादेव का भी आविर्भाव है। आज ही के दिन वो प्रकट हुए। वरा भगवान को कौन कौन जानते हैं, हाथ खड़ा करें। वरा भगवान का नाम सुना? देखो हम लोगों की संस्कृति और हम लोग बहुत कम जानते हैं। हमें इन भगवान के बारे में जानना चाहिए, इनके अवतारों के बारे में जानना चाहिए। आज वरा भगवान का आविर्भाव मतलब प्राकट्य दिवस है और इस उपलक्ष में यह कीर्तन हो रहा है। जितने भी भगवान के अवतार या भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र का जब प्राकट्य दिवस होता है, हम लोगों को व्रत रखना चाहिए। कल नित्यानंद त्रयोदशी है। नित्यानंद कौन है? जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण है, ऐसे नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार है। बलराम जी ही हैं।
तो इसीलिए कल बलराम जी नित्यानंद रूप में यहाँ प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु के साथ उन्होंने उनकी लीला में योगदान प्रदान किया है, तो हम सब व्रत रखेंगे। ठीक है, कौन कौन रखेगा व्रत, हाथ खड़ा करें। देखो व्रत रखने में संकोच है, भगवान के लिए हमें व्रत रखना चाहिए। जो मैं बता रहा था ना कि आत्मा की खुराक वो व्रत है, आत्मा की खुराक हरि नाम है, आत्मा की खुराक हरे कृष्ण। हम आत्माता है, आप लोग पीछे बैठ जाओ, बाद में जब कीर्तन होगा ना फिर सामने आना। वो तो एक साइड में माताएं, अब जो दोनों बैठी हो माताएं, अब तो पूरा रास्ता को रोड को जाम कर दिया। थोड़ा था आगे 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 आगे, आगे बैठ जा। हाँ, आगे 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 बैठ। ये भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं है, इसीलिए आज बड़ा भगवान का आविर्भाव हुआ, प्राकृतिक दिवस है, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम कथा श्रवण करते हैं। एक बार भगवान नारायण और लक्ष्मी जी वैकुंठ में सुखपूर्वक वास कर रहे हैं, और लक्ष्मी जी जब श्री नारायण को पान का बीड़ा देकर गई बाहर की तरफ, तो उन्होंने देखा जय और विजय बड़े आनंद से हास्य विनोद कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और अपनी भुजाओं को दिखा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भुजा देख करके जय और विजय कौन है, भगवान नारायण के जो है दास है, क्षेत्रपाल है, बाहर जो जैसे बाहर दरवाजे के पार गार्ड होता है ना, ऐसे जय और विजय भगवान के पार्षद है। तो जय और विजय को जब देखा कि इस प्रकार से खड़े होकर के अपनी भुजाओं को बड़ा शक्ति से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लक्ष्मी देवी को थोड़ा सा अंदर ऐसा आभास हुआ कि मेरे नारायण, नारायण कौन है, नारायण भगवान है, मेरे नारायण तो बड़े ही सुकोमल है, और ये जो जय और विजय है, जो द्वारपाल है, इनके अंदर इतनी शक्ति, इनकी भुजाएं बहुत ज्यादा फड़क रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्रभु का अहित कर दे। ये मन में छोटा सा भाव आया। और भगवान क्या है, भगवान अंतर्यामी है, सबकी इच्छा को पूर्ण करने वाले सर्वेश्वर भगवान नारायण ने जान लिया कि लक्ष्मी जी के हृदय में भाव आया। उसके उपरांत उन्होंने ऐसी लीला घटी कि यहां पर चार कुमार जो छोटे छोटे पांच वर्ष की अवस्था में सर्वत्र घूमते और हरिनाम करते हुए चलते हैं, वो पहुंचे कहां, वैकुंठ में, और वैकुंठ के सात द्वारों को पार करते चले गए। समस्त जो क्षेत्रपाल है, द्वारपाल है, किसी ने उनको रोका टोका नहीं है। क्या गाते हुए आते वो, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला है प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी लीला है प्यारी प्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला है हरी हरी। इस प्रकार से वो हरि का कीर्तन करते हुए कहां पहुंचे, सातवें द्वार पर। सातवें द्वार पर कौन खड़े थे, जय और विजय। उन्होंने एकदम रोक लिया और रोक करके कहा, तुम लोग कहां जा रहे हो, इस तरीके से कहां चले आ रहे हो, अभी हमारे स्वामी का जो है विश्राम का समय है, अंदर प्रवेश आपका वर्जित है। तो इन चारों जो संत है, पांच वर्ष की अवस्था में रहते हैं, लग्न अवस्था में रहते हैं, इन्होंने कहा, अरे तुम वैकुंठ में किस प्रकार के क्षेत्रपाल द्वारपाल हो, तुम ये जानते नहीं हो, इस वैकुंठ के अंदर निर्मल मन वाले रहते हैं, जिनका मन बिल्कुल निर्मल हो चुका है, जिनके हृदय में क्रोध काम इत्यादि नहीं होता, वो वैकुंठ में वास करते हैं, और तुम ये कैसे जान गए कि इस वैकुंठ में कोई जो है निर्मल मन वाला ना आकर के जिसका मल मलिन है वह व्यक्ति आया है, जो तुम ये सोचकर रोकते हो। हम यहां पर कहीं पर भी विचरण करते हैं, सर्वत्र जाते हैं, वैकुंठ कोई रोकता नहीं, और तुमने हमें रोका, तो तुम जो है जाओ, इधर रहने योग्य नहीं हो, तुम्हें तो पृथ्वी लोक अर्थात मृत्यु लोक में जाकर के वहां रहना चाहिए, और वहां पर अच्छी तरीके से तुम्हें वहां पर कष्ट को भोगना चाहिए। यह सुनकर के जो उन्होंने रोका था उनको अंदर से ग्लानी हुई, उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे संतो हमें क्षमा करें। तभी भगवान ने ये सारी बात सुनी और बाहर आए, बाहर आके देखा कि ये गिड़गिड़ा रहे हैं मेरे जो पार्षद हैं जय और विजय, और चार कुमार जो पांच वर्ष की अवस्था में संत हैं वो थोड़े क्रोधित हो रहे हैं। तो भगवान नारायण मुस्कुराए, हे संतो
आप इतना क्रोधित ना हो, आप आइए आइए, आपका स्वागत है। तो संतों को भगवान नारायण को देख करके साष्टांग प्रणाम किया है और कहा कि जय और विजय साधुओं की बात पूर्ण होगी तुम्हें जाना होगा। जबकि भगवान नारायण की इच्छा थी कि ये जय और विजय मृत्यु लोक में आए, पृथ्वी लोक में आए और भगवान को वीर रस का आस्वादन कराए। देखो वैकुंठ में कोई युद्ध नहीं होता और युद्ध नहीं होता, लेकिन भगवान की इच्छा खुद होती है कि कुछ युद्ध किया जाए। तो युद्ध करने के लिए भगवान यहाँ ऐसी लीला घटित करते हैं कि यहाँ पर उन्हीं के पार्षद उनसे युद्ध कर सकते हैं। हम जैसे की तो शक्ति नहीं, क्योंकि हम भगवान का दर्शन तक नहीं कर सकते, हमारा हृदय इतना शुद्ध नहीं। तो उनके जो निज पार्षद हैं वही युद्ध की यहाँ पर लीला करते हैं भगवान के साथ। तो यहाँ पर वही आए बन करके, सर्वप्रथम हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु बन करके आए। हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु बहुत बड़े असुर, और हिरणाक्ष इतना बड़ा असुर था कि उसने पृथ्वी लोक को जो है धकेल करके रसातल में पहुंचा दिया था। इसी प्रकार से जब पृथ्वी रसातल में थी तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि किस प्रकार से मैं सृष्टि करूं, और सृष्टि करने की चिंता करने से पहले उन्होंने मनु को, स्वामी मनु को प्रकट किया था और शत्रुपा उनकी जो है धर्मपत्नी को प्रकट किया था कि तुम जाओ सृष्टि करो। लेकिन सृष्टि करने के लिए जब ये पहुंचे तो देखा पृथ्वी अपने स्थान पर है ही नहीं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूरा निवेदन किया, हे ब्रह्मा जी हम कहां जाएं, वहां पृथ्वी नहीं है। तो ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते भगवान का जब चिंतन किया तो भगवान किस प्रकार से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका से ये जो वरा देव भगवान है प्रकट हुए। बोलो वरा भगवान की जय। और ये देखते देखते अभी छोटे से कर्ण के रूप में प्रकट हुए थे और धीरे धीरे चूहा के बराबर, और थोड़ी देर में हाथी के बराबर, और थोड़ी देर में पर्वत के बराबर होकर के चले। ब्रह्मा आदि देवता ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और वहां से चल करके ये पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में पहुंचे। वहां से उद्धार करके इन्होंने पृथ्वी को उसकी पुनः धुरी पर स्थापित किया और सभी ऋषिगण और बड़े बड़े ज्ञानीगण उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। तो वरा देव भगवान की जय। अब एक बात छोटी सी कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये वरा भगवान भी हर जो है चतुर्युग में प्रकट होते हैं, कभी श्वेत रूप में, कभी कृष्ण रूप में, मतलब कभी काले कभी गोरे। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जो आप लोग मथुरा गए होंगे, मथुरा में द्वारिकाधीश भगवान का मंदिर है, उनके पीछे दो मंदिर हैं, एक श्वेत वरा का और एक कृष्ण वरा का, अर्थात काले वरा भगवान का और एक गोरे वरा भगवान का। तो ये एक तो है स्वामु मनु के समय जो वरा हुए वो हुए कृष्ण वरा, और चाक्षुष मनु के समय में जो प्रकट हुए वो हैं आपके गोरे वाले वरा। तो आज वरा भगवान का आविर्भाव है, इसीलिए हमें भगवान और भगवान के अवतारों का पूर्ण तरीके से श्रद्धा के साथ नाम करना चाहिए। और सबसे बड़ा नाम जो महाराज बार बार आपको बता रहे हैं वो यही है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वंशा कल्प तरभुज कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो। हरी बोल हरे बोल से वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे बीच में एक प्रभु जी अब खड़े होकर के आपको ये सत्संग की कितना महिमा है। हम लोग आज सत्संग में आए ना, कदी ये सत्संग की कितने महिमा। एक समय श्री नारद जी एक समय भगवान कृष्ण के पास में गए, बोले प्रभु सारा दुनिया कहता है बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ नाश होई। कहते सत्संग की बड़ी महिमा, आप कृपा करके हमें थोड़ा सत्संग की महिमा बताओ। तो भगवान का नारद जी एक काम करो, तुम अमुक स्थान में जाओ, देखना वहां पर एक गिरगिट तेरे को सत्संग की महिमा बताएगा। बोले ये गिरगिट क्या बोलेगा, बोले जाओ ना पूछो वो बताएगा। जब वहां पर गए देखा गिरगिट को, बोले ठाकुर जी भेजा तुम क्या सत्संग की महिमा बताओगे, बताओ तो क्या सत्संग की महिमा। और बोलते ही वो दो तीन बार अपना सिर हिलाया और वहीं पर मर गया। बोले तो मर गया ये क्या बताएगा। फिर ठाकुर को पास में आए, बोले जाओ वहां पर के तोता तेरे को बताएगा। बोले जब तोता को पास में गए एक दो बार पूछते, तोता भी प्राण छोड़ दिया। बोले भैया जिसको पूछता हूँ वो शरीर छोड़ देता है। बोले और ये काम करो,
गैया ने एक बछड़े दिया उसको पूछो बोलेगा, लेकिन जब वहां पर जा करके बोला वो बछड़ा भी मर गया। अभी जिसको जिसको बोलता है वो सब के सब प्राण छोड़ देते हैं। बोले ठाकुर जी आप क्या कर रहे हो, जिसको पास में जा करके सत्संग की महिमा पूछता हूँ वो सब के सब शरीर ही छोड़ देते हैं। बोले लास्ट एक बार जाया करो। बोले कहाँ? बोले एक राजा का बेटा हुआ, ये तेरे को सत्संग की महिमा बताएगा। बोले ठाकुर जी अभी तो तीन तीन प्राणी मर चुके हैं, अगर राजा का बेटा मर गया ना राजा सीधा हमको जेल में बंद कर देगा। बोले बेटा चिंता मत कर वहां पर जाओ। सचमुच से वहां पर जब गया देखा राजा का क्या बेटा जन्म लिया। बोले ठाकुर जी ने भेजा आपको पास में ये सत्संग की महिमा बताने के लिए। वो बोलते ही ना वो बच्चा तो रोना शुरू कर दिया, वो बच्चा रोना शुरू कर दिया। नारद जी ने सोचा भाई हो गया, इसका भी प्राण छूट गया। नारद तो वहां से भगे हैं, पता नहीं राजा जेल में बंद नहीं करते। इतने में किसने जा करके बोले महाराज महाराज वो जो बच्चा था ना वो जन्म से ही था गुंगा, जन्म से ही गुंगा था, बोलता नहीं था। लेकिन आप लोगों ने बच्चे जन्म दिए ना, देखना बच्चा जन्म होते ही रोता है ना, अगर बच्चा नहीं रोता है ना पूरा परिवार रोता है। मतलब क्या, अगर वो बच्चा अगर नहीं रोता है मतलब वो बच्चा गुंगा है, इसलिए उसको थप्पड़ मार मार कर बच्चे को रुलाते हैं। लेकिन वो बच्चा जन्म से ही था गुंगा। लेकिन जब नारद जी को दर्शन किया ना, कहते संत दर्शन करते ही उसका गुंगापन खत्म हो गया, वो रोना शुरू कर दिया। जा करके बोले महाराज महाराज ये बच्चा गुंगा जो था ना रोना शुरू कर दिया। बोले कैसे? बोले कोई एक संत आए थे, वो संत दर्शन मात्र से ही बच्चा का गुंगापन खत्म हो गया। बोले वो संत कहाँ गए, जल्दी जल्दी बुलाओ। वो भगे, बोले नारद जी रुको। नारद डर रहे, बोले शायद हो गया बच्चा, शायद मर गया, राजा तो शायद जेल में बंद करेंगे। बड़े कष्ट से उसको रोके, बोले महाराज बुला रहे। नारद जी डरते डरते आए, बोले बाबा क्या बात है महाराज क्या बात है? बोले बाबा मेरा बच्चा जन्म से ही था गुंगा, लेकिन आपका दर्शन मात्र से ही ये बच्चा रोने लग गया, मतलब उसका गुंगापन खत्म हो गया, आपकी बड़ी कृपा हुई। इतने में वो बच्चा ने बोल पड़ा, बोले नारद जी सत्संग की महिमा समझ गए? बोले क्या, मेरे को तो समझ में नहीं आया। बोले ठाकुर जी बोले थे ना वो गिरगिट बोलेगा, पहले जन्म में मैं गिरगिट था, लेकिन संतों का दर्शन मात्र से ही है, जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाता है, संत दर्शन मात्र से ही। गंगा में तो स्नान कर जाकर के पवित्र बनोगे, लेकिन संतों का दर्शन से ही पवित्र हो जाते हैं। इतने संतों की महिमा, जब संत हाथ उठा करके कीर्तन करते हैं स्वर्ग में देवता को कल्याण होता है। जब अपना प्रेमयी दृष्टि से जितना दूर तो उनको दृष्टि जाए उतना दूर तक तो सारे पाप तब खत्म हो जाता है। जब उनको चरण स्पर्श पृथ्वी को मिलती है ये पृथ्वी भी अपनी आप को धन्य धन्य मानती है। इतने पहले में गिरगिट था, लेकिन आपको दर्शन करते इस मेरा पाप खत्म हो गया, फिर गिरगिट से मैंने तोता जन्म लिया, फिर आप गए, फिर जब दर्शन किया फिर मेरा तोता शरीर छूट गया, पाप खत्म हो गया, फिर मैंने बछड़े बन करके आए। गैया का कितना, गाय का जो एक है मुझे लोम है वो एक एक देवता है, 33 करोड़ देवता के निवास गैया को अंदर में होता है, फिर मैंने गैया बन करके आया, फिर बछड़ा बन करके, फिर जब आपको दर्शन किया ना मेरे सारे पाप खत्म हो गई, फिर मैंने राजा बन राजा की बेटा बन करके आया। लेकिन बेटा तो बन करके आया लेकिन था गुंगा, लेकिन जब फिर आपको मैंने दर्शन की मेरा गुंगापन खत्म हो गया, फिर मेरी मुंह खुल गया है, हैं मेरा मुंह खुल गया। इसलिए साधु संघ की बड़ी महिमा, अभी ये आपको साधु संघ की महिमा बताएंगे, आप लोग सुनो सबके साथ बोलो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संचिन्तयत् भगवश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वजसरोरुह लाञ्छनाढ्यं उत्तुंगरक्तबिलसत्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिरामहदभिहृदयान्धकारः। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव ओम मित्रलीला प्रविष्ट विष्णुपादष्टोत्तरशत भक्ति विदान स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को बार बार यथा योग्य प्रणाम करता हूँ।
हरे कृष्णा। अगर आप लोग थोड़ा सा सावधान होकर के और थोड़ा सा समय दे करके सुनेंगे तो मैं सुनाऊं फिर कथा। मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि भगवत और भागवत चरित्रों पर मैं कुछ अपनी वाक पुष्पांजलि दूं। यद्यपि मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं कुछ कहने के, पर इन्हीं के ही कृपा प्रसाद के स्वरूप में मैं आप लोगों को कुछ सुनाऊं। देखिए, समय बीता जा रहा है ना। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल है वो आगे नहीं होगा, है ना। हम लोगों की दिन प्रतिदिन आयु बढ़ रही है और आयु घट रही है। हम लोग बर्थडे मनाते हैं ये सब सेलिब्रेशंस के साथ, उसका क्या मतलब है? देखिए, जन्म दिवस शतैन वर्ष त्रपाई। जन्म दिवस है ना, एक तप है जो बार बार यह स्मरण करा देता है कि जो पीछे का व्यर्थ समय चला गया है, अब आगे वो व्यर्थ ना हो। वही जन्म दिवस का अर्थ है। देखिए, आज जो आयु हमने प्राप्त करी, आज जो हमारी आयु है, कल वह नहीं रहेगी हमारे पास। धीरे 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 हमारी आयु कम हो जाएगी। लेकिन जो करने के लिए आए हैं, जो प्रयोजन हम लोग लेने के लिए, और जो प्रत्येक मानव शरीर धारी का धर्म है, वह है भगवान की भक्ति करना, भगवान की कृपा प्राप्त करना, भगवान का नाम लेना, भगवान के सानिध्य में रहना। एक यही केवल धर्म है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। परम धर्म यही है, भगवान की भक्ति करना। देखिए, हमारा शरीर लोग समझते नहीं है। बालक कहेगा कि जवानी में भजन कर लेंगे, फिर जवानी आ जाएगी हमारी, फिर उसके बाद सलाह देंगे कि अरे अभी तो तू जवान है, बट टशन वशन का समय है, अभी तो ब्याह शादी कर, ये सब कर, फिर आगे ये भजन वजन तो ये आगे बूढ़े लोगों का काम है। पर ऐसी बात नहीं है। आगे जिसने अभी समय, हमारे महाराज जी कहते हैं, जिसने अभी भजन नहीं किया ना, उससे आगे कभी भजन नहीं होगा। कब हो कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। अरे बालापन हंसी खेल गवाया, आई मस्त जवानी। जवानी आने पर फिर आया बुढ़ापा सानी। और फिर जब बुढ़ापा आ जाता है तो अरे नियरे आ गयो चौथो पनवा, कैसे बीतेगी। कब हो कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। जब चौथापन आ जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद नहीं बहुएं ये सब गालियां देंगी, अरे बूढ़ा कब 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 मरी है ई बूढ़नवा, कैसे बीतेगी। कब हो कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। बुढ़ापे में तो कोई किसी का सहारा नहीं है। फिर याद आएगा कि अरे सारा का सारा जीवन आसक्तियों में बिताया, सारा जीवन आसक्तियों में बिताया, वो आखिरी में काम नहीं आया। जो करने के लिए आए थे, जो भगवान का भजन करने के लिए आए थे, वो नहीं कर पाए। ठीक है। और बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी हम लोग खो देंगे। ये जो अनमोल मानव जीवन है, ये हम लोग सब खो देंगे अगर अभी से हम लोग भजन नहीं करें। किसी के प्रति हम लोग किसी विशेष व्यक्ति विशेष को कितना भी अपना अनमोल समय दे दे, पर एक बात पक्का है, उसको दिया हुआ अनमोल समय कोई काम नहीं आएगा। लेकिन ठाकुर जी को दिया हुआ केवल 10% समय हमारे पूरे जीवन में वो काम आएगा। एक बार क्या हुआ, एक गरीब व्यक्ति सड़क पर भीख मांग रहा था, बार बार भीख मांग रहा था, तो कोई सेठ धनी उस व्यक्ति के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने, सेठ ने कहा, भैया क्यों तू क्यों परेशान हो रहा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या करूं, कुछ खाने को नहीं है, मैं अगर सोने में भी हाथ दूं तो वो भी मिट्टी हो जाए, ऐसी
ऐसी दुर्दशा हो रखी है मेरी, इतना परेशान हूं मैं क्या करूं। तो उस सेठ को दया आ गई, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत कर, मैं तेरे को सेट कर देता हूं, चिंता मत कर, मैं तेरे को कुछ काम धंधा देता हूं, पर मेरी एक शर्त है, जो उसका मुनाफा आएगा उसका 10% तो मुझे देगा। तो उसने कहा ठीक है दूंगा। तो उसने उसको एक जगह सेट कर दिया, एक जगह उसने उसको लगवा दिया, मतलब काम शुरू करा दिया। अब धीरे धीरे काम शुरू करते करते उसकी आमदनी बढ़ी, आमदनी बढ़ने के बाद बड़ा बहुत अच्छा कमाने लग गया, अच्छी आमदनी उसकी हो गई। तो जो सेठ जिसने वो काम धंधा उसका शुरू कराया था, जब उसके बाद उसने पूछा कि वो सेठ के पास, वो व्यक्ति सेठ गया उस व्यक्ति के पास, तो उस व्यक्ति ने कहा कौन हो तुम? तो सेठ तो अचंबा कर गया, बोले कौन हूं मैं वही हूं जिसने तेरे को काम धंधे पे सेट करवाया है, काम धंधे पे लगवाया है। अच्छा तुम वही हो? हाँ मैं वही हूँ। अच्छा बताओ अब तुम कितने दिन हो गए, लाओ मेरा 10%, लाओ 10%। तो वो आदमी बोला कौन सा 10%, काय का 10% बताओ। उसने उसको काम पे लगवाया फिर भी वही हूँ, कह रहे कौन सा 10%, कैसा 10%, आप बताओ। यदि आपके साथ ऐसा हो तो आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे, क्या कहोगे उस व्यक्ति को बताओ? उसने 10% उससे जब बात हो गई थी पर वो नहीं दे रहा, तो आप उसको क्या कहोगे? चोर, ठग, नमक हराम, हराम खोर, ये सभी तो कहोगे, ये सभी तो कहोगे। देखो ऐसे ही श्री भगवान ने जब अति करुणा करी है, अति कृपा करी है, तब जाकर के ये मानव जीवन हम लोगों को दिया है। और मानव जीवन दिया है तो 24 घंटे का प्रसाद दिया है। उस 24 घंटे के प्रसाद में आप खुद बताओ, जब 24 घंटे का प्रसाद ठाकुर जी ने दिया है तो हम उसका 10% यानी केवल और केवल 2 घंटे, आप 2 घंटे कुछ मिनट हम ठाकुर जी को नहीं दे सकते तो हम क्या कहलाएंगे? हम भी तो वही कहलाएंगे जो उसको कह रहा है, कहलाएंगे ना। सारा सब शरीर ठाकुर जी ने दिया है, हमें कर्म करने की सामर्थ्य श्री भगवान ने प्रदान करी है, हमें चलने फिरने की सामर्थ्य श्री भगवान ने प्रदान करी है, हमारा हित अहित अच्छा बुरा सब सब श्री भगवान के हाथ में है, फिर भी हम लोग भजन नहीं करे तो हम लोग क्या हुए? वही हुए ना जो उसने उसको कहा। इस कारण से देखो भगवान अति कृपालु है, भगवान बहुत दयालु है, भगवान से ज्यादा बढ़कर दयालु कोई हो ही नहीं सकता। इस आँख की कोर पे लगा हुआ काजल भी इतना निकट नहीं है जितना हमसे निकट श्री भगवान है। जो हमसे सबसे निकट है उसको तो हमने बाइकट कर रखा है, दूर कर रखा है। भगवान इतने करुणा वरुणालय हैं कि भक्त केवल जरा सा पुकार क्या ले भगवान को, भगवान दौड़े चले आते हैं। प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, हिरण्यकश्यप विडारो सुध भूली तन की। जब प्रहलाद ने पुकारा था ना प्रभु आ जाओ, तो भगवान ने क्या किया था, खम्बा फार करके परियंकम विसजन गणान गणयन भूषा मणिर विस्मरण नत्ता नोति गदा कदम च निगदत प्रदमा मया लोकयन निर्गच्छन् तुम परीक्षितम खगपतिम चाप बाणो धरो ग्राहा मस्त मतंग पुंग समुद्धाराय नारायण। भगवान खंबा फाड़ करके प्रकट हो गए और भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी। द्रौपदी पुकारो, द्रौपदी ने टेरी, अब आओ गिरिधारी, अरे मोको आस है तिहारी और जाऊं काके द्वार। जब देखो जब पूरी की पूरी राज्यसभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो द्रौपदी ने किसको पुकारा, भगवान को पुकारा। तो भगवान ने क्या किया, सुनी टेर नहीं करी देर मैंने और तुरंत ही चीर बढ़ाया।
लागतन ने मोको नाना भांति नचायो। भगवान भक्त ही भगवान को नचा सकते हैं, भक्त की पुकार पे ही भगवान आएंगे। इसलिए आप सब कुछ, सारे कल्पों का सब कुछ छोड़, सब कुछ छोड़ने का मतलब गृहस्थी छोड़ना, काम धंधा नहीं, अपनी फालतू की इधर उधर की चिंताएं छोड़ करके श्री भगवान को समर्पित कर दो। श्री भगवान का प्रसाद कृपा प्रसाद है। आप लोगों को भगवान की कृपा के अलावा इस पूरे जीवन में, इस पूरे विश्व में कोई सुखी नहीं कर सकता। महाराज जी आए हैं, श्री गुरुदेव आए हैं, ये कृपा करने के लिए, कल्याण के स्वरूप ही आए हैं। आप लोग इनसे सुंदर सत्संग श्रवण करो और अपने मानव जीवन का कल्याण करो। वांछा कल्प करो विश्व कृपा सिंधु बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। अरे जोर से बोलो, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। एक मिनट कीर्तन कर लो, फिर और थोड़ी थोड़ी कथा सुन लेना, ठीक है। देखो कलयुग में भगवान ने सबसे सरल उपाय दिया, भगवान के नाम जप करो। ज्यादा कोई कठिन नहीं भगवान के नाम करने के लिए। देखना जिंदगी में जो कुछ करना कर लो। जब शरीर छूट जाती है, आप लोगों ने देखा जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? सुने हो? पीछे बोलो, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, सत्य बोल अगत्य है, सब कोई बात झूठा। मतलब क्या है, जीवन में जितना राम का नाम हरि का नाम लिया वही जा रहा है। इसके सिवाय तुमने जो कुछ किए हो ना, सब तुमने झूठे ने बिताया। एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रहे। जो सुई धागा तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा, केवल ठाकुर का नाम ही जाएगा, फिर वो ठाकुर का नाम फिर क्यों नहीं करे? इसलिए क्या करनी चाहिए? भगवान की नाम जप करनी चाहिए। इसलिए सबके सब पीछे पीछे बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सब मीठी मीठी ताली बजाते हुए, ताली कोई ताली नहीं बजा रहे हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। सब ताली बजाते हुए और पीछे पीछे बोलो, कोई बोल नहीं रहे हो, सब बोले पीछे पीछे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सब बोलो पीछे पीछे, कृष्णा कृष्णा ताली बजाते हुए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो इसमें तीन नाम है हरे, ध्यान देकर सुनो। हरे हरे मतलब हमारे जितने दुख कष्ट को जो हर ले, हरि का नाम लेने पर क्या होगा, जीवन में जो दुख कष्ट है, संसार में दुखी है कि नहीं ना, सुखी हो? कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, सब दुखी दुखी। लेकिन जब हरे नाम लेना
हरि का नाम ले क्या होगा, सारे दुख कष्ट जो हर जाए, इसलिए हरि। कृष्ण, कृष्ण मतलब क्या है, हमारा मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है, लेकिन कृष्ण नाम लेने पर ये जो भटकता हुआ मन नहीं भटकेगा। क्री मतलब होता है आकर्षण करना, स्ना मतलब आनंद देना, इसलिए कृष्ण नाम लेने पर क्या होगा, जो भटकता हुआ मन नहीं भटकेगा। राम मतलब जीवन में हमें जो आराम देगा, जीवन में हमें जो आराम देगा। अगर ये हरि का नाम लोगे ना, तीन चीज मिलेगा, क्या तीन चीज मिलेगा, माताएं सब इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं यहाँ बैठा हूं ना, सब देख रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, सब इधर देखो। इसलिए कहते राम लेने पर क्या होगा, जीवन में हमें जो आराम मिलेगा, अगर ये हरि का नाम लोगे तो क्या होगा, सारे दुख कष्ट दूर होगा, जीवन में आराम मिलेगी और जीवन में शांति मिलेगी, ये भगवान का नाम से। इसलिए सबके सब ताली बजाओ, मैंने बताया था ना, जब ताली बजाओगे क्या होगा, पाप रूपी चिड़िया उड़ जाएगी, लेकिन कहां पर बैठेगा, जो भगवान का ताली नाम में ताली नहीं बजाएगा उसका सर पर सर पाप बैठ जाएगा, और जो भगवान का नाम लेगा उसको तो पाप उड़ जाएगी, लेकिन उड़ करके बैठेगा कहां पर, जो भगवान का नाम नहीं लेता है। इसलिए पीछे सब ताली बजाते हुए बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बलदान गली में बलमान गली में बल कुंज गलिन में बल बरसाने में बल साकिरी कोर पे बल राधे 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 प्रेम से बोला ताली बजा के अरे ताली बजा के हर ताली बजा के हर हाथ उठा के हाथ उठा के हर हाथ उठा के जोर से बोला अरे मुंह तक खोला अरे मुंह तक खोला अरे मुंह तक खोला अरे जोर से बोला हे राधे राधे हे राधे राधे जय जय श्री राधे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जोर से बोलो, कोई जय के है बोल रहे हो जोर से, जैसे पता चले सत्संग हो रही। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। हरि नाम विषय, हरि नाम विषय। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म परिवाराचार्य श्री स्वामी विष्णुपादर श्री श्रीमद भक्तिवेदांत सिद्धर गोस्वामी गुरु महाराज का भी शरणारविंद मैं संकट कोटि प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी माताएं, सभी वैष्णव वैष्णवी, सभी भाई बहन, सभी को मेरा प्रणाम। हमारे एक सुंदर उपाध्याय वो है, एक बहुत छोटी सी और बहुत शिक्षामूलक कथा सुनाते हैं।
अभी हरिनाम के ऊपर हम लोग इतने कथा है श्रवण किया है। देखो इस जीवन का जो सार है वो ये हरिनाम है, और हमें ना ऐसे बोलने में समझ नहीं आता। हमारे साथ कोई दुर्घटना या घटना घट जाता है तो हमें वास्तव में नाम की महिमा पता चलता है। आप कहोगे कि बाबा आप लोग तो भजन करते हो, आप लोगों को पता है, या आप लोगों को उसमें मतलब होगा, पर हमें क्या मतलब है, समझ लो। बहुत शिक्षा मूलक स्टोरी है। हमारे प्रभु जी का जो घर है दिल्ली में एक जगह पे, तो कहते हैं कि हमारे घर के पास है बगल में बहुत बड़े बढ़िया मतलब अच्छे कुल के ब्राह्मण कुल के एक व्यक्ति रहते थे, शर्मा जी। अब शर्मा जी बचपन में क्या है कि पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करते थे, पर इतना पढ़ाई किया उन्होंने विदेश चले गए। और जब विदेश गए, विदेश में क्या हुआ ना, उनके जो संस्कार थे, भाई यहाँ पे तो ठीक है पूजा पाठ करना, गीता रामायण आदि पाठ करना, संतों को सम्मान देना, साधु सेवा करना, ये सब कुछ तो संस्कार पहले था, पर जब विदेश में गए ये सब अभाव हो जाता है। और आप लोग जानते हैं विदेश में क्या खान पान चाल ढाल सब कुछ बदल जाता है वहाँ पे एकदम से। और उनका संग जो है वो खराब हुआ, संग से संस्कार खराब हो गए। 7-8 साल बाद जब वो वापस आए, उनके वो तो संस्कार थे नहीं। अब इसमें इसी क्रम में उनका जो है परिवार में उनका एक बच्चा हुआ, वो भी बड़ा हुआ, 2-3 साल 4 साल का हुआ। और बचपन में जैसे आप लोगों को पता है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा छोटा होता है कि उसको ज्यादा कुछ बोध नहीं होता है, वो देखता है जो आसपास लोग जो भी करते हैं वो करने लग जाता है, उसका अच्छा बुरा का कोई विवेक ज्यादा होता नहीं है। तो हुआ क्या है कि एक दिन वो बालकनी के ऊपर खेल रहा था छत पे, और नीचे जनाजा लेकर के चार कंधे पे है ना, एक जनाजा निकालते हैं तो इस प्रकार के वो ले जा रहे थे मुर्दा को, अर्थी भी लिटा करके ले जा रहे थे। और क्या कह रहे थे, यही बात कह रहे थे, अभी ये छोटा बच्चा है यहाँ पे बैठे थे ना, गुरु जी पूछे कि जब अंतिम समय ले जाते कंधे पे क्या बोलते हैं, बताए सबसे ज्यादा जोर से किसने बोला इसने, और आपने इसका डांस देखा है, देखा है ना, आप लोग तो देखे होंगे, मैं बहुत पहले देखा था, 2 साल पहले देखा था, क्या नाचता है ठाकुर जी, अभी नाचेंगे प्रभु जी हमारे। तो आप देखो इतना सा छोटा उम्र में वो बच्चा क्या किया, जब वो हाँ जब जा रहे थे उसको अर्थी पे लिटा करके, तो यही बोल रहे थे राम नाम क्या। देखो आप लोग बोल नहीं रहे हो, कितना डर है आप लोगों को, भगवान के नाम से किसको डर होता है बताए ना, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप से राक्षसों को डर होता है, एकदम से वो डर जाते हैं, अगर उनको नींद से उठाना है तो भगवान के नाम ही काफी है, और कुछ से नहीं उठते नहीं है। इसलिए हम जैसे बस जीवों को उठाने का भी यही है। तो हुआ क्या कि अब जैसे बच्चा जो भी देखे वो बोले, और लोग कह रहे हैं कि राम नाम सत्य, ऊपर से देख रहा था और ऊपर से बात फिर क्या करने लग गया, अंदर आकर के सुबह सुबह के समय राम नाम सत्य है और राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य बोलने लग गया। तो इतने में क्या हुआ, जो शर्मा जी थे, अरे चुप हो जा बेटा, शांत हो जा, तू कैसी बातें कर रहे हैं, सुबह राम नाम सत्य कर दिया, इसका राम नाम सत्य कर दिया भाई, तो वो डर गया। वो जो शर्मा जी थे वो जब डर गए तो बोले पापा मेरे इसमें क्या दोष है, आप जरा बताओ, जो बड़े लोग करते हैं वो छोटे, हम जैसे बच्चे तो वही देखते हैं, तो वो तो बड़े लोग कर रहे थे इसलिए मैंने ले लिया, आप अब मेरे को क्यों डांट रहे हो। तो पिताजी ने बोले क्यों क्या हुआ, चल दिखा मैं कौन ले रहा है ऐसा अपशगुन जो करने वाली चीज को कौन कह रहा है, चल देखा मेरे को। तो बालकनी में पिताजी को लेकर गया और नीचे वही राम नाम सत्य कह रहे थे वे लोग। तो बोले पापा ये देखो, बोले बेटे ये लोग करते हैं, हम लोगों को नहीं करना है। बोले बाप पिताजी बाप बताओ, जो चार लोग उनको ले जा रहे हैं वे लोग कर रहे हैं, तो वो बीच वाला नहीं कर रहा है, वो जो बीच में सोया हुआ है और अर्थी में वो नहीं कर रहा, और वो चार लोग कर रहे हैं, पिताजी वो क्यों नहीं कर रहा। बोले बेटा वो मर गया है। ओ अच्छा ठीक है, और प्रभु जी पिताजी वो जो चार लोग हैं वे लोग क्यों कर रहे हैं। बोले बेटा ऐसा है कि वो जो चार है वो जिंदा है, जिंदा है तो कर रहे हैं। बोले हाँ। बोले पिताजी मैं कर रहा हूं मतलब मैं जिंदा हूं, और जो वहां पे सोया हुआ है वो मरा हुआ है आप कह रहे हो ना, इसका मतलब वो नहीं कर सकता, यानी कि आप ही नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब आप मुर्दा हो और मैं कौन हूं, जिंदा हूं। बस बच्चा की इतनी सी बात कि पिताजी को ऐसा गहरा चोट लगा और पूरा रे वो पीछे संस्कारों में चले गए। जो बात आज उसको बच्चे में शिक्षा मिली, वो इतना पढ़ाई लिखाई करके विदेशों में जाकर के 8-10 साल में उन्होंने नहीं कमा पाया, और अंतिम समय उन्होंने
बात को समझ गया क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही था, इससे ज्यादा वो आगे कुछ नहीं बोल सकता था, पर इनको बस आंखें खोलने की जरूरत था कि सारा सब कुछ उनको दिखने लग गया। वो सामने दिख गया कि यही वो लोग हैं, ये कितना समय इन्होंने परिवार को नहीं दिया होगा, समय समाज को संसार को नहीं दिया होगा, अंतिम समय में यही बोल करके ले जा रहे हैं, और इसका दुर्भाग्य देखो मरते समय लेकर के जा रहे हैं तब यही उसके साथ में नहीं जा पा रहा है। जिंदगी रहते रहते तो हमने किया नहीं, मरने के बाद कितना भी मुर्दा को राम नाम सुना लो क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा होता है उसका। इसीलिए जिंदा वही है वास्तव में, क्योंकि मुर्दा नहीं कर सकता। हम लोग आज अगर चुप बैठ जाएंगे, अगर हमारे पन्ने में हम कुछ घर तक लेकर के नहीं जाए, सब कुछ हमें जग में सब ही घुमाए पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अभी साधु संघ की महिमा सुन रहे थे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव के 50 साल से जो मतलब अपने यहाँ पे मठ में आ रह करके हम लोगों की समाज की सेवा के लिए, आप लोगों के उद्धार के लिए, देखो इन्होंने इतना भजन किया, इसलिए दुर्लभ साधु अब नहीं मिलेंगे हमें, इसलिए आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है। हरि नाम के ऊपर कई भ्रांतियां हैं, पहले मैं वो दूर कर दूं। कोई लोग कहते हैं कि भैया हरि नाम तो विधवा लोग कर सकते हैं या बूढ़ा बूढ़ी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति बचपन में नहीं किया, ये बच्चा आज बचपन में कर रहा है, आप देखना ये बड़ा बनकर की 10 लोगों को इस संस्कार मार्ग में ले आ पाएगा। आप लोगों में आपको चैलेंज दे करके कह सकता हूँ, आप जो बूढ़ा बूढ़ी हो चुके हैं ना, अगर आप अभी नहीं कर पाएंगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भजन है उसके लिए मन की जोर, आत्मा की जोर, शरीर की जोर, बुद्धि की जोर जरूरत पड़ती है। और जो बुढ़ापा होता है ना संसार में, ये चारों चीजों को दे दे करके सब खत्म है, तो संसार से भोग भी हम अच्छे से नहीं कर सकते, तो रसगुल्ला खाते हैं, डायबिटीज हो जाते हैं, क्या चार धाम परिक्रमा करने के लिए जाएंगे। इसीलिए एक बात याद रखना, भोग भी अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर किस प्रकार हम कर सकते हैं भजन। गुरु जी से आज ही समय है, आप हरि नाम लो। कोई माताएं कह सकता है हम तो अपवित्र रहते हैं, हरि नाम इतना साधन सुलभ है। अभी सुन रहे थे पहले कथा कि चारों युग में चार चार धर्म है, यज्ञ तपस्या ये सब नहीं होता है, शास्त्र की बात है, और इधर उधर की बातों में भटक करके मत सुनो। ये हमारे लविंदर प्रभु, हमारे मनीष प्रभु, मुकेश प्रभु, ये लोग बहुत सुंदर तरीके से एकादशी में सत्संग आयोजन करते हैं, आप यहाँ पे आइए, क्योंकि ब्याह शादी बर्थडे वगैरह में खूब जाते होंगे आप लोग, कोई आपको ये नहीं बताने वाला होगा कि भैया इस संसार से ये हमारे वाले बर्थडे ही तुम लेकर के जाओगे, कोई बताता है? पर जब आप सत्संग में आते हो यही लोग आपको कहते हैं कि यही तुम लेकर के जाओगे, जो लेकर के जाना उसको हम करते हैं पीछे, और जो सब कुछ छोड़ना है हम उसको सर पे ढोढो करके जिंदगी बिता दिया। बताओ क्या पल्ले पड़ा हमारे, कुछ नहीं पड़ा। इसलिए आज अगर आए हो निश्चित रूप से निश्चित हो करके आप गुरु जी से हरि नाम लो, क्योंकि गुरुदेव भी कभी कभार मतलब हमारे आते हैं, हमारे भाग्य भी नहीं होता है, हम लोग मठ में रहते हैं, कभी कभार गुरुदेव साल में एक आध बार भी आ जाते हैं, तो हम लोग बड़दवासी बागपतवासी जैसे घरों में रहते हैं तो कहां हम गुरु जी के दर्शन कर पाएंगे, गुरु जी से नाम ले पाएंगे। अगर हमारे सार यही है हरि नाम, और वो भी एक साधु से लेना अगर जरूरी है, तो आज वो समय है। आज जितने भी लोग आए हैं आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप इसको अपने घर तक गांठ बांध करके गुरु जी से हरि नाम लेकर के जाइए, अपने जीवन जो है सफल बनाइए। बीच बीच में हम लोग प्रोग्राम करते रहेंगे, यहाँ के जो प्रोग्राम के बारे में हमारे लविंदर प्रभु इनका घर है, बड़े सुंदर तरीके से एकादशी प्रोग्राम करते हैं, मनीष प्रभु है और हमारे मुकेश प्रभु है, पवित्रा दीदी है, तो और ये है हमारे बुआ जी है, इन सब लोग मिलकर के एक छोटी सी प्रोग्राम करते हैं, और बीच बीच में हम लोग को भी बुलाते हैं तो हम लोग भी आ जाएंगे। आप लोगों को अगर सत्संग लेना है तो हमें आप निमंत्रण दीजिएगा, निःशुल्क हम ये सारे दरबार माइक साउंड यहाँ तक कि हम लोग वहां से गाड़ी भी लेकर के आ जाएंगे, बस में भी बैठ करके आ जाएंगे, आप लोगों के हम लोगों के कल्याण के लिए। इससे अतिरिक्त हमें कोई और अवसर कुछ भी नहीं चाहिए। गौर प्रेमानंदे हरि वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोला वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की निताई गौड़ प्रेमानंदे हरी हरी। अभी प्रभु जी आपको थोड़ी सी बहुत
हरे कृष्णा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है हरियाणा के सेकंड टॉप मोस्ट कॉलेज से और पूरे डिपार्टमेंट में सेकंड रैंकर हूँ और ट्रू वैल्यू सॉफ्टवेयर लिमिटेड में मैंने जॉब भी करी है, तो छोड़ करके फिर आया। हरे कृष्णा। ये जो बच्चा खड़ा अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है नोएडा में, अभी नौकरी करता था, जिनकी तनख्वाह 1,00,000 रुपया थी, लेकिन ये सब छोड़ करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हाँ भगवान की भजन कर रहे हैं, क्योंकि भजन से ये आत्मा को शांति मिलती है, ये आत्मा को भगवान की भक्ति से आत्मा को शांति मिलती है, तभी तो छोड़ करके भगवान की भजन करने के लिए। अभी बच्चा कुछ आपको कथा सुनाएंगे। हरे कृष्णा। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं वो सोच रहे बोले कब सत्संग खत्म हो और कब हम घर चले जाएं। कोई आपको जबरदस्ती यहाँ पर बिठाए रखे हैं तो फिर जो भी यहाँ पर हरिकथा होगी थोड़ा सा मन देकर सुनो। अगर सत्संग में आए हो यहाँ पर आके भी पास में जोड़ी मिल गई ना, आस पास पास में बैठे बैठे बातें करने के लिए नहीं आए ना, हरिकथा सुनने के लिए आए तो फिर थोड़ा सा ध्यान देकर एक दूसरे से बातें नहीं करते हुए हरिकथा सुनो, क्योंकि हम भी यहाँ लिमिटेड समय के लिए आए हैं, आपका भी समय हमारे से ज्यादा मूल्यवान है, थोड़ा सा हरिकथा की तरफ ध्यान देकर सुना करो। देखो आप तो फिर भी यहाँ पर महिलाएं, मैं प्राय देख रहा हूँ महिलाएं ही हैं यहाँ पर, बड़े लोगों को तो फिर भी थोड़ी बहुत सत्संग में रुचि होती है। आजकल के जो बच्चे हैं आप लोग तो यहाँ हो, बच्चे लोग सब घर में हैं, किसी के सत्संग में रुचि नहीं है। आप सोच के देख लो क्या करते होंगे अभी सारे बच्चे, कोई फोन में स्मार्टफोन में लगे हुए होंगे, कोई टीवी देख रहे होंगे, कोई वीडियो गेम खेल रहे होंगे, नहीं तो बाइक स्कूटी घुमाकर कहीं मार्केट में घूम रहे होंगे, ऐसा ही है ना। बता दो इसके अलावा कोई किसी का बच्चा मंदिर गया हुआ है? हाँ, घर में बैठ के या तो हो सकता है पढ़ाई कर रहा हो, किसी का बहुत ही सौभाग्यवान सिंसियर बच्चा हो तो ये कर रहा होगा, है कि नहीं। सिर्फ क्या माता ही प्राय आई है, हाँ तो इसका कारण क्या है? देखो हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति से जुड़े ना रहने के कारण ही हमारी ये हालत हो गई आज कि बच्चों को भगवान के सत्संग में भगवान के भजन में कोई रुचि नहीं है। हमारे गुरुदेव एक बार बतला रहे थे, एक बड़े गुरुजी से ने किसी महिला ने पुरुष ने आके प्रश्न किया, बोले गुरुदेव हमारा बेटा बात नहीं सुनता है। बड़े गुरुजी उसका उत्तर देते हुए बोल रहे थे, बोले तुम कभी घर में गीता रामायण पढ़ती हो? बोले नहीं। बोले तुम रामायण पढ़ती नहीं, बच्चों को पढ़ाती नहीं, तभी तो तुम्हारे घर में ये हाल है, बच्चे बात नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि रामायण में ही तो बतलाया गया है ना, प्रात उठई रघुनाथा मात पीत गुरु नमाई माथा। भगवान राम साधारण व्यक्ति नहीं, जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, वे स्वयं सुबह उठ के और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, अपने गुरुजी को प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे देख लो घर में कितने माताएं, इतने सौभाग्यवान हैं, किसी का सौभाग्य हुआ है कि बच्चे अपने सुबह उठ के चरण धोते हो, चरण स्पर्श करते हो? किस किस के बच्चे करते हैं? आप सब अपने घर की कथा जानते हो, सब जानते हो, है कि नहीं। तो अगर रामायण नहीं पढ़ोगे, बड़े गुरुजी उत्तर देते हुए कह रहे थे, रामायण खुद नहीं पढ़ोगे, बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, तो ऐसा ही तो होगा। आजकल की हमारे जो जनरेशन है, आजकल की संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से क्या मानती है? भले बेकार बूढ़े लोगों की रीति रिवाज थे, वो लोग कभी पालन करते हैं, उन लोगों को करने दो। अभी हम कौन है? हम लोग हैं 21वीं सदी की हम जनरेशन है, हमको ये पुराने रीति रिवाज से क्या करना है कि नहीं। सत्य बात है कि नहीं, आज के लोग यही सोचते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो पहले पुराणों में, जो हमारे शास्त्रों में बातें बताई गई है, वो सारी बहुत सच्ची बातें हैं, उनको पालन करने से ही आपको शांति मिलेगी। देखो कोई विदेश में जाकर सेटल हो रहा है कि कोई किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन वो पैसा भी उसको शांति नहीं दे पा रहा। कोई विदेश में रहने के बाद में बहुत ही 4 मंजिला घर बना लिया, एसी रूम में बैठने के बाद भी मन अशांत है, मन अशांत है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम मूल चीज को भूल गए हैं, हमारी संस्कृति, हमारे भगवान के प्रति जो भजन निष्ठा है, यही मूल चीज है, यही मूल चीज है। हमने सुख सुविधाएं जुटा ली है किसके लिए? इस शरीर को सुखी रखने के लिए। कैसे हम शरीर को सुखी रखें? इसको जैसा जैसा पसंद होता है वैसा खिलाते हैं, सारी सुख सुविधाएं देते हैं, शरीर हो सकता है सुखी रह ले, लेकिन मन हमेशा भटकता रहता है, आत्मा की शांति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से जुड़े हुए नहीं है, हम भगवान से जुड़े हुए नहीं है। अगर हम भगवान का चरण का आश्रय ले लें, अगर हम भगवान का भजन करें थोड़ा बहुत, थोड़ा सा अपने जीवन अध्यात्म के साथ में जोड़ दें, तभी बोलते हैं तत् प्रसादात् परम शांति। भगवान के चरण कमल में ही एकमात्र शांति है। स्मार्टफोन्स में शांति नहीं है, घंटों घंटों टीवी देख लो फिर भी अशांत रहोगे, ठीक है। बढ़िया अच्छे से खा लो, अच्छे से सो लो, कितना क्या कर लोगे, परम शांति नहीं मिल सकती। जब तक थोड़ा बहुत अपने भगवान, अपने आप को अध्यात्म से नहीं जोड़ोगे, शांति नहीं मिल सकती। और जब खुद पहले करोगे तो तुमको देख के क्या करेंगे, बच्चे करेंगे,
घर में जैसा माहौल होता है वैसे ही तो बच्चे पालन करते हैं। घर में अगर भजन जैसे हमारे देखो यहाँ सब प्रभु जी लोग आए हैं बच्चे, इनके सब माता पिता सब पालन करते हैं, तभी तो ये लोग भी ऐसा कर रहे हैं। दोनों बच्चे खड़े हो जाओ, तुम दोनों बच्चे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बच्चे, खड़े हो जाओ। ये देखो ये तो आपके बागपत के बच्चे हैं, यहाँ के उधर घूम कर खड़े जाओ, ऐसे घूम जाओ। देखो देखो देखिए सब छोटे छोटे बच्चों को देखो, ये बच्चे पढ़ाई करते हैं, ऐसे नहीं पढ़ाई नहीं कर रहे, ये बच्चे पढ़ते भी है। देखो धोती पहने, गले में नहीं की दोपटा है, तिलक लगाए हैं, गले में कंठी है, दिख रही नहीं, दिख रही नहीं, दिख रही ना। हाँ देखो ये बच्चे भक्ति क्यों करते हैं, बैठो। देखो ये बच्चे भक्ति क्यों कर रहे हैं, कारण है जो पहला गुरु है ना ये पिता माता है। पहला गुरु कौन है, सबसे पहले तो माँ सबसे पहले गुरु है, उसको बाद में उसको पिताजी सबसे पहले गुरु है। पिता माता से ही बच्चों का संस्कार आगे बढ़ती है। एक समय में जयपुर में कथा करने गया था, देखा 10 साल का एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है। मैंने वो बच्चे को पूछा भैया तेरा नाम क्या है, तो उसने जो नाम बताया ना मेरे को पता चला मुसलमान है। तो मुसलमान पता चला, मैंने कहा तेरे को कुरान आती है, वो बच्चा छाती फुला कर बोले हाँ मेरे को कुरान आती है। मैंने कहा बोलो, वो झटा झट कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में कितने उम्र से ये कुरान सिखाई जाती है, बोले कंपल्सरी 2 साल उम्र में बच्चों को कुरान सिखाते, 2 साल मुसलमान धर्म में 2 साल उम्र में बच्चों को कुरान सिखाते, किसी मुसलमान को पूछ लो। इसलिए देखना शुक्रवार के दिन बच्चों को टोपी पहना करके रोड जाम करते, मेन रोड में जाकर कुरान पढ़ते कि नहीं आकर मुसलमान भाई, किसी बच्चे को पूछ लो। मुसलमान बच्चे अभी आप लोग तो मुसलमान बच्चे भी छोड़ दो, जितने ये बड़े बूढ़े बैठे हो रामायण का कोई चौपाई तो नहीं याद है बच्चे, और जितने बड़े बूढ़े बोलो किसको गीता की कोई श्लोक तो नहीं याद है, लेकिन कौन हीरो का नाम बताओ सब बता दें, कौन हीरोइन का नाम क्या बता दें, कौन सा एक्टर का क्या नाम, प्लेयर का, सारे अंटर संतर जितने गंदी गंदी बात भी याद कर रहे, लेकिन कोई शास्त्र का ग्रंथ का कोई बात याद नहीं। हाँ देखो ये सबसे पहले संस्कार ये पिता माता से ही संस्कार बढ़ता है। अगर हम तिलक लगाएंगे हरि नाम करेंगे तब तो हमारे बच्चे करेंगे ना, नहीं तो बच्चे करेंगे कैसे। इसलिए हमारे बच्चे हमें सम्मान नहीं देते हैं, प्यार नहीं छूते हैं, चरण नहीं छूते हैं, पिता माता के आदेश पालन नहीं करते। कारण क्या, कारण है रामायण भागवत से हमारे कोई मतलब नहीं रखते, कोई मतलब नहीं। जितने हमारे घर में हीरो हीरोइन का पिक्चर लगा हुआ होगा और उल्टा पुल्टा पुस्तक सब पड़ा हुआ होगा, कोई रामायण भागवत होगा ना पुठी बांध कर ऊपर को उठा कर रखा हुआ होगा। इसलिए ये हमारी दुर्दशा, इतनी हमारी दुर्गति, इसलिए हमारे धर्म का प्रति हमारे कोई है कोई संस्कार नहीं, धर्म का प्रति कोई रुचि नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हो हमारी घर अयोध्या बने, अयोध्या नाम सुने कि नहीं, अयोध्या मतलब जहां पर कोई युद्ध होता नहीं होता था, और अबध अबध मतलब जहां पर किसकी बध नहीं होता था। कहते ना राम जैसे बेटा हो, सीता जैसे बहू हो, हैं घर में रामायण हो, लव कुश जैसे बेटा हो, लव कुश जैसे बेटा। आप कौन कौन नहीं चाहते बताओ तो, ऐसे नहीं हो, आप सब चाहते हो ना, सब चाहते हो। अगर चाहते हो तुम्हारे घर अयोध्या बने, हैं भगवान राम ने क्या किया, अपना पिता आदेश को पालन करने के लिए 14 साल के लिए वनवास गए। रामायण देखेगी नहीं, अभी अपना बेटे को बोल दो बेटा हमारी सेवा के लिए 14 दिन के लिए कहीं चले जाए, बताओ तुम्हारा बेटा जाएगा नहीं, उसका बेटा जाएगा, वो 14 दिन के लिए हनीमून मनाने के लिए विदेश जा सकता लेकिन पिताजी की सेवा के लिए नहीं जाएगा। कारण है हम रामायण नहीं पढ़ते, इसलिए यही हमारी दुर्गति, भजन नहीं करते। इसलिए हमारे अगर चाहते हो तुम्हारी घर भगवान का धाम बने, अयोध्या अवध बने, घर वृंदावन बने, क्या करो भगवान की भजन करो। पहले तो पिता माता करे, फिर बच्चे को ऊपर तभी पिता माता के संस्कार पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए हरिनाम करो, माला लेकर भजन करो, बच्चों को भी बोलो बेटा थोड़ा रामायण पढ़, नहीं तो थोड़ी गीता पढ़ो, नहीं तो बच्चे को बोलना बेटा एक हरिमाला हरिनाम कर। अब देखना जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हम कहते ना बेटा पढ़ता नहीं, बेटे को बोलो एक माला करके तुम पढ़ने के लिए जाओ, एक माला जप करके, देखना बेटा का मन अपने आप पढ़ाई में लग जाएगी। जिसका बेटे को पढ़ाई में मन,
लगती, जिन जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एक माला करे जप करे प्रभु का नाम, अपने आप ये मन ठाकुर को सेवा में और पढ़ाई में क्लास में देखना फर्स्ट आएगा, क्लास में बच्चा फर्स्ट आएगा वो क्लास में है। इसलिए पहले भजन करो और बच्चे को भजन करा, बोलो हरे कृष्णा। तो इसलिए हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे आजकल की जो जनरेशन है पाश्चात्य देश से बड़े आकर्षित है, वेस्टर्न वर्ल्ड सब लोग क्या करते हैं विदेशों को फॉलो कर रहे हैं ना। आपने देखा है सूर्य उदय होता है पूर्व से और अस्त होता है पश्चिम में। लेकिन आज आप देख लो विदेश की न्यूज उठाकर देख लेना, 70% से ज्यादा वहां के लोग डिप्रेशन पेशेंट है। वही जो मन की शांति की हम लोग बात कर रहे थे, शरीर के लिए अच्छी अच्छी सुख सुविधाएं मिल चुकी है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एकदम शीशे जड़ी हुई, अच्छी रोड है, बढ़िया बढ़िया कार है, लेकिन मन अशांत है। रात में नींद की गोली खाकर सोते हैं, रात में नींद की गोली खाकर सोते हैं। अगर ऐसा ही पाश्चात्य कल्चर हम फॉलो करेंगे, ऐसे ही वेस्टर्न कल्चर फॉलो करेंगे, तो जैसे सूर्य अस्त होता है ना पश्चिम में, ऐसे हमारी हम लोग भी अस्त हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, हम लोग अपने आप को भजन से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम काल में क्या होगा, ये भगवान का भजन ही हमारे साथ जाएगा। अभी श्रवण कर रहे थे ना, राम नाम ही एकमात्र सत्य है, भगवान का नाम ही हमारे साथ में जाएगा। तो भगवान के नाम को हम समय क्यों नहीं दे, भगवान के नाम को समय क्यों नहीं दे। एक कथा सुनाता हूं, कथा के माध्यम से समझने की कोशिश करो। एक राजा था, ध्यान से सुनना, एक राजा था, उसकी चार पत्नियां थी। ये एक कथा मैंने पिछले बार भी सुनाया था, अभी प्रभु जी ये कथा सुना रहे हैं, इसको बाद में मैं फिर पूछूंगा कि कथा कौन दो बार बोल सकता है, जो बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। उस राजा की चार पत्नियां थी, सबसे पहली पत्नी जो थी उसको राजा बड़ा प्रेम करता था, उसको बड़ा प्रेम करता था, जो भी उसको आवश्यकता की वस्तु चाहिए होती थी उसको ला कर देता, साड़ी साबुन तेल लिपस्टिक, कभी कुछ खाने का मन होता बाहर लेकर जाता, हाँ जो भी उसको आवश्यकता पड़ती उसको ला ला कर देता था। उसकी दूसरी रानी थी, दूसरी रानी देखने में बड़ी सुंदर थी, देखने में बड़ी सुंदर थी, जब भी राजा बाहर जाएगा ना उसको बस दाम पास में रख बिठाएगा और पूरी दुनिया को दिखाता था, पूरे राज्य में दिखाएगा, बोले देखो मेरी रानी कितनी सुंदर है, मेरी रानी कितनी सुंदर है। तीसरी एक रानी थी, उसके साथ बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, उसके जब भी राजा का बात करने का मन होता उसके साथ में सब दिल की बात शेयर करता, उसके साथ मीठी मीठी बातें करता था। चौथी एक रानी थी, उसको जब से ब्याह करके लाया उससे कोई मतलब नहीं रखा, उससे कोई खास मतलब नहीं रखा, कभी उसको कुछ चीज की जरूरत है कभी पूछा नहीं, ठीक है। अभी राजा का जब अंतिम समय आया, अंतिम समय आया, राजा ने सोचा मेरी चार चार रानियां हैं, कोई तो मेरे साथ में जाएगी, मैं पूछ के देखता हूँ। सबसे पहली रानी से पूछा, पहली रानी कौन सी थी, जिसको सब चीज को सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसको सब चीज ला ला कर देता था। उस रानी से पूछा, बोले तुम मेरे साथ में चलोगी, उस रानी ने एकदम मना कर दिया, रानी ने क्या कहा, मैं तेरे साथ एक कदम भी नहीं चलूंगी। जब राजा ने ये बात सुनी वो तो बड़ा चौंक गया, बोले मैंने पूरे जीवन तुम्हारी सेवा करी, तुम्हें जो भी चीज की जरूरत थी मैंने ला ला कर दी और तुम कह रही हो मेरे साथ में नहीं चलोगी। राजा को बड़ा धक्का लगा, सोचा दूसरी रानी शायद जाएगी, दूसरी वाली से पूछा, बोले रानी मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ में चलोगी। दूसरी रानी ने बोला कि मैं साथ में चलूंगी। दूसरी रानी कौन सी थी बताओ, जो सबसे सुंदर थी। और दूसरी रानी से पूछा तुम मेरे साथ में चलोगी, और रानी बोलती है मैं तुम्हारे साथ में क्या चलूंगी, मैं सोच रही तुम कब मरोगे और मैं किसी और से शादी कर लूंगी। जब राजा ने ये बात सुनी ना उसके तो पैरों के नीचे से जमीन घिसक गई, बोले क्या बोल रही है, इसी को मैं सब हमेशा अपने रथ में पास में बिठा कर रखता था, इसको ले जा करता था सब समय, और ये बोल रही है कब किसी दूसरे से शादी कर लेगी। बड़ा दुखी हुआ। तीसरी रानी से जब पूछा कि तुम साथ में चलोगी, उसने मना कर दिया, बोले नहीं हम तुम्हारे साथ में नहीं चल सकते, अगर ज्यादा कहोगे तो क्या कहेंगे, दरवाजे तक चलेगी। चार कदम तो चल सकती हूँ लेकिन उसके आगे नहीं चल सकती। चौथी रानी कौन सी जिससे कभी बात नहीं करी, जिसको हमेशा इग्नोर करके रखता था, उस रानी से पूछा, बोले तुम साथ में जाओगी। बोले राजा तुमने पूरे जीवन तो मुझे पूछा नहीं और अभी अंतिम समय में पूछ रहे, तुमको लज्जा नहीं लगती है। राजा ने कहा, लेकिन रानी क्या थी, वो उसने राजा से सच्चा प्रेम करती थी। और रानी बोलती है कि राजा मैं ही तुम्हारे साथ में चलूंगी, तुम जैसा रखोगे, दुख तुम्हारे दुख में दुखी रहूंगी, सुख में सुखी रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी। अभी देखो ये जो राजा है, ये राजा कौन है, ये राजा साक्षात हम ही है, ये राजा हम ही है, और हमारी भी ये चार चार पत्नियां हैं। समझो, देखो ये पहली पत्नी जो थी जिससे राजा सबसे ज्यादा प्रेम करता था वो कौन है, ये हमारा शरीर।
इस शरीर को जिस भी चीज की आवश्यकता होती है हम इसको ला कर देते हैं। ये शरीर कहता है आज गोलगप्पे खाने, चलो गोलगप्पे खिला कर लाते हैं। आज पिज्जा खाना है, पिज्जा खिलाते हैं। जिम करने की इच्छा होती है, जिम में लेकर जाते हैं। सुंदर सजना होता है, कहां सैलून पार्लर में लेकर जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन अंतिम समय जब आता है, जब ये शरीर से हमारी आत्मा निकल जाती है, तभी शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, एक कदम भी हमारे साथ में नहीं जाता। देख लो पूरा जीवन हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो एक कदम भी हमारे साथ में नहीं जाता, एक कदम भी हमारे साथ में नहीं जाता। दूसरी रानी जो थी, जो देखने में बड़ी सुंदर थी, ये हमारा धन दौलत, हमारे पास जो पैसा है, हमारी सारी धन जायदाद जो है, ये दूसरी पत्नी है। हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं, देखो हमारे पास कितना पैसा है, कितनी हमारी शेखी है, लेकिन अंतिम समय होने पर ये हमारे साथ में नहीं जाएगा। बल्कि क्या होता है, जैसे वो रानी किसी और से शादी करने को कह रही थी, ऐसे ही हमारी धन दौलत मरते ही बेटे के नाम पर ट्रांसफर होता है कि नहीं। कभी कभी तो दो बेटे होते हैं, लड़ाई पर बोलता है पहले बंटवारा पहले करो, अर्थी बात में उठेगी, है कि नहीं। अगर सास का हाथ में एक सोने की कंकण हो ना, दो बहू उसको लेकर लड़ती है, मैं लूंगी और मैं लूंगी, दोनों से लड़ पड़ती है और इधर रोती है। अगर सास की अगर कान में कोई सोने की फूल हो ना, इधर तो रोती है लेकिन उधर चुपके से बोलते थे कान में फूल है, उतार कर रख लेना। तो ये दूसरी रानी जो है, हमारा पैसा सब है, ये भी हमारे साथ में नहीं जाएगा। तीसरी रानी जो थी, जिससे वो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, तीसरी रानी ये हमारे परिवार, हमारे पुत्र परिजन, ये भी हमारे साथ में रहते हैं, हमारे साथ में मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंतिम समय पर हमारे साथ में नहीं जाएंगे। अंतिम समय में ये भी साथ में नहीं जाएंगे। बढ़िया, अपने लिए अर्थी सजाएंगे, तुम्हारे लिए राम नाम सत्य है करते करते शमशान घाट तक लेकर जाएंगे, वहीं पे फूंक देंगे, मुखाग्नि देंगे, जलते हुए अंगारे मुंह में देंगे और फिर वापस लौट के आ जाएंगे। यही पुत्र परिजन जिसके साथ हम पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, है कि नहीं। जहाँ जिस स्थान पर रहते थे तुम्हारा सारा सामान घर से उठा के बाहर फेंकेंगे, जिस स्थान पर रहे हो उस स्थान को गोबर से पवित्र करेंगे, है कि नहीं। सत्य बात है ना, ये पुत्र परिवार भी हमारे साथ में नहीं जाएंगे। लेकिन चौथी रानी जिसको हम सब समय इग्नोर करके रखते हैं, ये चौथी रानी है भगवान का नाम, भगवान का भजन, जिसको हम कभी समय नहीं देते, लेकिन यही एकमात्र हमारे साथ में जाएगा, यही एकमात्र हमारे साथ में जाएगा। जितना हमने भगवान का नाम लिया है, जितना हमने भगवान का भजन किया है, वो ही हमारे साथ में जाएगा। अगर किसको बोले एक माला जप कर, अगर हम बोले एक माला जप करे, सब बेकार काम है, जिसका कोई काम धाम नहीं है ना, वही सब माला लेकर हरे कृष्ण बोलती रहती है। हम बोलते हैं ना, अगर कोई भगवान नाम लेता है, अगर जिसका कोई काम धाम नहीं ना, वही सब बैठ बैठ के हरे कृष्ण करते हैं, हम बोलते हैं, उसको जीवन सारा उसको नेग्लेक्ट, बेकार सब चीजें। लेकिन जब अंतिम समय आएगा, अब देखा तो तीन बहू कोई साथ में गया, शरीर भी नहीं गई, पैसा भी यही पर रह गया, बीबी भी यही पर रह गई, जिसको सात पैर लगा करके शादी किया था, बोली वो दरवाजा तक जाएगी, परिवार शमशान तक जाएगी, कोई नहीं गए। लेकिन जीवन में जिसको बेकार मान करके नेग्लेक्ट करके रखे, सब बेकार भगवान की भजन भजन, हमारे पास में भजने के लिए कोई टाइम ही नहीं। लेकिन टीवी देखो ना, कोई सीरियल आ जाए, तीन तीन घंटा आग फाड़ फाड़ कर बैठ जाते, तीन तीन घंटा देख लेते हैं। अगर किसी बहू बेटी की बात हो ना, फिर तो समय पता नहीं कैसे बीत जाती है। उसकी छोरी ने ये कर दिया, घर में बहू साथ में लड़ाई हो रही है, उसकी घर में ये चल रहा है, वो चल रहा है, देखना घंटे घंटे उसमें बीत जाती है। लेकिन अगर थोड़ी सी बोलो भगवान की थोड़ा माला जप कर, बोले समय कहाँ है, हमारे पास में समय कहाँ है। लेकिन भैया साथ में ये कोई भी जाने वाले नहीं, लेकिन अंतिम समय में है जो भगवान की जो नाम है, जिसको जीवन में लगलग करके रखे, इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने। लगता है यहाँ सब पंडित बैठे होते हो, सब जानते हो, लेकिन जानते तो हो लेकिन करते नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब क्या है, तुमने जीवन में तुमको मिला तो मिला क्या है, बोले राम रतन धन पायो, जितने राम का नाम लिया वही धन ही जीवन में मेरे को मिला। बोले मिला कहां से, बोले वस्तु अमोल का दी मेरे सदा गुरु, कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन। ये मिला सतगुरु से, ये धन मिला। बोले भैया धन कैसे है, कहते चोर नहीं ले दे, लूटे नहीं जा।
अगर ये संपत्ति को कमाया वो पत्नी नहीं ले सकती है, अगर जिसको पत्नी कमाएगा जिसको पति नहीं ले सकती है, अगर बच्चे कमाएगा ना उसको पिता माता नहीं ले सकते, जिसने कमाएगा केवल वही इसी जीवन में भी मालिक बनोगे और अगले जीवन में भी आप ही मालिक बनोगे। इसलिए दीन दीन बड़त सब आए, अगर जिसको बोलो ना थोड़ा भगवान के नाम जप करो बोले अरे फिर बच्चों के लिए पैसा कमा के रखे ना, भगवान के भजन के लिए समय का बच्चे के लिए पैसा कमाओ। देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे बोले बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमा कर रखो। किसकी बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं बता, जिसकी पिता ने जितनी ज्यादा पैसा कमा कर गए उसका बच्चा उतना शराबी जुआड़ी गंजड़ी भंगड़ी उसका ही बच्चा बन जाए, आप देख लेना उसके ही ज्यादा। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमाओ, बच्चा अगर होनार होगा ना वो कमा ही लगा। अगर बच्चा नालायकी बन गया जितने तू कमा करके जा रहे हो, आईपीएल आया था ना मेरे पास में बहुत लोग मिले बोले बाबा जिंदगी भर मैंने जिंदगी पैसा कमाया, 5 मिनट में मेरा बच्चा सारे लगा गया जुआ में, 5 मिनट में 6 रन रह गया, वो कह रहा था मेरे पास 6 रन रह गई उसमें सारे पैसा वो लगा दी लगा कर सारे खत्म, जिंदगी भर जो पैसा कमाया। लेकिन ये जो धन भगवान की जो नाम धन है ना ये धन को मीरा कहती है चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सवाए, ये धन बढ़ती रहेगी ये धन कभी घटेगी नहीं। आप मेरे तरफ में ध्यान देकर देखो, आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे। एक दिन भक्तों ने भगवान को निमंत्रण दिया बोले प्रभु आज मेरे घर में भोजन, भगवान एक शिक्षा दी बोले देखो सबको घर में भोजन नहीं करूंगा, बोले किसको घर में बोले जो करोड़पति जो लाखपति बनेगा जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर, उस समय 5.5 साल पहले एक सोने मोहर जिसको 1 लाख हो, भक्त लोग तो दुखी हो गए बोले प्रभु जिंदगी में तो हम कभी लखपति बन ही नहीं सकते, हमारे 100 रुपया भी नहीं, 100 रुपया मतलब जिसको घर में 100 स्वर्ण मोहर हो तो हम तो कभी बन ही नहीं सकते कि हमारे घर में भजन नहीं करोगे। देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी का नाम जप करते हैं वही असली लखपति। हाँ मेरे तरफ में देखो पहले टीवी में आता ना कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन का नाम सुने कि नहीं, वो आता था ना कौन बनेगा करोड़पति, ठाकुर जी कहते कौन बनेगा लखपति। मेरे तरफ में देखो आप लखपति कैसे बन सकते हो, जैसे ये माला है, जैसे ये माला में जब हम माला जप करते है ना ये सुमेरु ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, इधर से भगवान के नाम जप करते हैं। आप मेरे साथ में सबके सब जोर जोर से बोलना बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके एक मोती सरकाते हैं फिर हरे कृष्णा हाथ उठा बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें 2 मोती सरकाते हैं। देखते हैं इस लाख लखपति कैसे बन गए, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक बार जब नाम या 16 नाम हो गया है और इसमें 108 मोतियां हैं, जब उसमें एक माला पूरी हो जाता है ना इसको हम पार नहीं करते क्योंकि राधा कृष्ण का रूप, फिर घुमा करके दूसरे तरफ से करते हैं, फिर 2 माला किया, अगर 16 माला इसे दिन में कर लिया तो हो गया 25,000, अगर दिन में अगर तुमने 64 माला कर लिया तो हो गया 1 लाख। ठाकुर स्वयं कहते हैं तुमने 1 लाख माला नहीं की आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपोजिट हो गए। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली राम नाम के गली गली ले रे कोई राम का प्यारा राम गली गली राम के
वीरा की वजन है। वीरा कहे कि भैया ये धन को जो जो लूटे है ना सो मालामाल हो गए। बोले कौन कौन? बोले तुलसीदास, हनुमत लाल जी, सूरदास जी। नाम सुने कि नहीं? हनुमान का नाम जानते हो? कौन कौन जानते हो? हाथ उठा दो। हनुमान को कौन कौन जानते हो? हाथ उठाओ। हनुमान का नाम नहीं जानते हो? आप बताओ ये कब आए थे? तृतीया जी ने आपको बताया तृतीया जी को कितना दिन बीत गया, करोड़ों साल बीत गया तृतीया जी। अभी भी हनुमान के नाम हम लेते हैं। अब सूरदास का नाम सुने हो और तुलसीदास का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो? सब सुने हो, है ना? क्यों इनका जगत में इतना नाम क्यों हो रहे? कारण है इन लोगों ने भगवान के नाम और धन को जीवन में लूटा है, इसलिए बोले माला माल हो गया। लेकिन माया के जो बने पुजारी जिसने प्रभु का भजन नहीं करके बोले पैसा 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 जिंदगी में किया, बोले आखिर वो कंगाल हुए है। मुट्ठी बांधी आया जगत में, हाथ पसार जाओगे, ठीक है ना? इसलिए क्या करना है? भगवान की नाम जप करना। यही चौधरी रानी यही हमारे साथ में जाएगी। आप लोगों ने ये कथा को आपको समझ में आ गई? किसको किसको समझ में आई हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ, किसको किसको समझ में? चार मूर्ख कथा आ गई, जोर से हाथ उठाओ। कोई हाथ नहीं उठा, क्या चक्कर है? समझ में आ गई? इसका समझ में आ गई मतलब है आज से ठाकुर का नाम जप करना शुरू कर दो। कितना? कल कर सो, आज कर सो, उसके बाद में पल में प्रलय होगी, बहुरी रहेगी। इसलिए आप लोग जाते समय हम लोग से एक एक माला लेकर, ठीक है ना? ये माला जप करने के लिए इधर सुन लो, इसमें कोई नियम नहीं है आपको। हम तुलसी माला जब हम देते हैं उसमें मांस मछली अंडा नहीं खानी चाहिए। यहाँ तो कोई खाते नहीं होंगे, कोई खाते हो? नहीं खाते हो। लेकिन उसके लिए प्याज लहसुन भी, अगर गले में तुलसी कंठी पहने तिलक लगाए उसके लिए प्याज लहसुन भी त्याग देना पड़ता है। लेकिन लगता है हम लोग प्याज लहसुन खाते होंगे, खाते होंगे ना? लेकिन कोशिश करना, जैसे नवरात्रि आती है, नवरात्रि कौन कौन करते हो? करते हो? 9 दिन तक कोई प्याज लहसुन खाते हो? नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हो? माता जी को पसंद नहीं, तभी तो नहीं खाते हो ना। ऐसे नहीं 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा। इसलिए जो माता जी को जो पसंद नहीं, ठाकुर जी को जो भोग नहीं लगता है ना, हमें भी वो चीज नहीं खानी चाहिए। इसलिए पुराण में बताया कि जो प्याज और लहसुन है ये गैया की मांस से ये प्याज बना। जैसे मांस लाल लाल रंग देना, प्याज का रंग लाल लाल। जैसे हड्डी सफेद रंग, ये लहसुन भी सफेद रंग का है। इसलिए भगवान कृष्ण को भोग नहीं लगता है, इस चीज शंकर जी को देवी को भोग नहीं लगता। क्यों? इसका सृष्टि गंदी चीज से। इसलिए आप लोग कोशिश करना ये चीज को धीरे 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 चीज को छोड़ने के लिए, और शुद्ध रूप में खाना बना करके रोज ठाकुर को भोग लगाया करो। क्या करोगे? कौन कौन भोग लगाते हैं? सब भोग लगाते हैं, बहुत अच्छी बात। देखो ठाकुर जी को भोग लगाओगे ना, घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। सुदामा जी का नाम सुने हो? कौन सुना सुदामा जी का नाम? हाथ उठाओ, सब सुने हो। अब टीवी में सीरियल देखना, ये सुदामा पहले गरीबी क्यों बना बाद में धनी क्यों, आप देखे होंगे। जब कृष्ण सुदामा जंगल में गए थे, उनको गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया था, बोले इसको कृष्ण को देकर खाना। लेकिन सुदामा ने क्या किया था बोलो? छुपा कर खा लिया था ना, इसलिए उसको गरीब बना। धनी कब बना? जब फिर कृष्ण दर्शन के लिए 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी 1 मुट्ठी खाए, ठाकुर जी 2 मुट्ठी खाए। जब 3री मुट्ठी खा रहे थे ना, रुक्मिणी हाथ पकड़ी, बोली नहीं प्रभु आपने 2 मुट्ठी खा लिया मतलब उनके घर में सारे राज ऐश्वर्य सब पहुंच गया। अगर 3री मुट्ठी खाओगे ना, मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन जाऊंगी। आप देखना जब सुदामा वापस आता है सोने के महल, घर में पत्नी राज रानी बन करके बैठी हुई। क्यों? ठाकुर जी को खिलाया। अगर घर में ठाकुर जी को भोग लगाओगे ना, घर में खूब माल आएगा। बता माल कौन नहीं चाहते, पैसा कौन नहीं चाहते? हम चाहते हो पैसा? कौन कौन चाहते? हाथ उठाओ, हाँ जोर से हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ नहीं होता है ना। इसलिए अगर ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे ना, घर में खूब लक्ष्मी की, घर में माँ लक्ष्मी की खूब कृपा होगी घर में। लेकिन आप बोलोगे नहीं हम तो प्याज लहसुन खाएंगे और ठाकुर को थोड़ी सी मिश्री नहीं तो 1 गिलास दूध भोग लगाते, नहीं ये नियम नहीं है। क्यों? घर का मालिक ठाकुर है, घर का मालिक हम ना, घर का मालिक ठाकुर है। बोलो बोलो जोर से, ठाकुर जी है। जैसे घर में एक और नौकर रहता है, लेकिन वो नौकर बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खाता है, लेकिन जो अपना मालिक को जैसे तैसे भोग लगा दे,
अगर मालिक को पता चलेगा ये नौकर मेरे को जैसे जैसे खिला देता है और खुद प्याज लहसुन दाल धुल करके शाही पनीर मटर पनीर राजमा चावल चगा चक भरता है, फिर मालिक क्या करेगा, मालिक क्या करेगा, घर से निकाल देगा कि नहीं? इसलिए मालिक ठाकुर ही है, हम तो उनका सेवक है। अगर ठाकुर को दूध गिलास भोग रहेगा कि खुद प्याज लहसुन खा खा करके मजा ले रहे, फिर घर से ठाकुर जी निकाल देंगे। इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जो ठाकुर जी को पसंद नहीं, ठीक है ना? कोशिश करना धीरे धीरे प्याज लहसुन जैसे छूट जाए, घर में जो कुछ बने ठाकुर के लिए घर में बने, भगवान को भोग लगे। अब स्वयं देख लेना, कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा। अगर भगवान की प्रसाद खाओगे मन पवित्र बनेगा, स्वाभाविक रूप में भजन करोगे मन को शांति सुख मिलेगा भगवान की। लेकिन कोई कोई लोग कहते हैं अरे प्याज लहसुन के बगैर कोई स्वाद नहीं आता है। क्या नहीं आता है? स्वाद बोले जो क्योंकि बोलते ना, देखो ध्यान देकर सुना, जैसे रोज प्याज लहसुन खाते हो, जैसे मानो कोई तिथि तिवार आ गया घर में, जो प्याज लहसुन नहीं बनता है वो ठाकुर जी को भोग लगकर खाते हो, देखना हर दिन जो खाते हो, लेकिन जिस दिन ठाकुर को भोग लगा करके बगैर प्याज लहसुन खाते हो उसका अलग स्वाद आता कि नहीं? बोलो बोलो अलग स्वाद आता कि नहीं? हाँ ना नहीं? हाँ, जब ठाकुर को भोग लगेगा ना, ठाकुर का कृपा हो जाएगी, उसमें अलग स्वाद। हम कहते नहीं स्वाद नहीं आता, नहीं, वो प्याज लहसुन को गुंडे हैं, उसमें दाल की एक अलग स्वाद है और उसमें आज यहाँ प्रसाद है क्या? प्रसाद प्रसाद यहाँ पर है। हाँ, इसलिए देखना ठाकुर जी को जो भोग लगता है ना उसमें एक अलग स्वाद आता है, खुद देख लेना। ये उसमें प्याज लहसुन डालने पर प्याज लहसुन का बदबू आ गया, इसमें बदबू आ गई है, टेस्ट नहीं, हर सब्जी के अलग अलग स्वाद है। इसलिए कोशिश करना जैसे ये चीज छूट जाए, भगवान के शुद्ध रूप में ठाकुर जी को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ और खूब जीवन में शांति और सुख में रहो। और आप लोग एकादशी व्रत रखते हो? कौन कौन रखता है, हाथ उठाओ तो, हर जोर से हाथ उठाओ, दो दो हाथ उठा दो, कौन कौन एकादशी व्रत? धन्यवाद, इनके लिए ताली बजाओ जोर से जो एकादशी व्रत रखते हैं। देखो जो एकादशी व्रत का है ना बड़ा महत्व है, इसलिए एकादशी को कहते हैं ये कल्पतरु व्रत। कल्पतरु व्रत मतलब होता है एक कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष मतलब होता है जिस पेड़ को नीचे बैठ करके जो मांगोगे ना तुम्हें वही मिल जाएगा, इसलिए उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। इसलिए आप लोगों के पास मगर एकादशी का कोई किताब होगा पढ़ करके देखना, ध्यान देकर सुना एकादशी कथा। एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए? कहते एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा मतलब जिनकी घर में पुत्र बेटा की जन्म नहीं हो रहा है, कहते वो एकादशी व्रत करो, कहते पुत्र प्राप्ति होता है। कि नंद जसोदा को कृष्ण कैसे मिले? पहले नंद बाबा का घर में कोई बेटा नहीं था, उन्होंने सारे व्रत तपस्या सब कर चुके थे, घर में बेटा नहीं, लेकिन जब उन्होंने पुत्रदा एकादशी व्रत किया कृष्ण जन्म हुआ। एक एकादशी का नाम इंदिरा, 15 दिन में एक बार ये एकादशी आती है। इंदिरा मतलब लक्ष्मी, जिनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं, गरीबी है, कहते वो एकादशी का नाम इंदिरा। इंदिरा मतलब लक्ष्मी, जो एकादशी करो घर में खूब माल आएगी, खूब पैसा आएगा, इसलिए उसका नाम इंदिरा। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, मोक्षदा मतलब अगर वो एकादशी व्रत करोगे ना जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए मुक्ति मिल जाएगी। एक एकादशी का नाम विजया, विजया मतलब अगर वो एकादशी करोगे ना तुम्हारी सब जगह भी जय जयकार होगी, जहां जाओगे तुम्हारी जय होगी। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, अगर उसको करोगे जीवन में जितने तुम्हारी पाप है सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, हैं? इसलिए आप पढ़ करके देखना, हर एकादशी के अलग अलग नाम है, 15 दिन में ये एक बार एकादशी आती है, हैं? जरूर आप लोग एकादशी व्रत रखना। लेकिन कुछ कुछ लोग कहते हैं हर एकादशी तो विधवा को करनी चाहिए, सधवा को नहीं करनी चाहिए, नहीं। आप भागवत पढ़ करके देखो, जिसको अंबरीश महाराज उनको पत्नी ने दोनों मथुरा में आकर एकादशी किया, और श्री नंद जसोदा और मैया जसोदा नंद बाबा किया, मैया क्या विधवा थी मैया, हैं? उन्होंने एकादशी व्रत की। इसलिए भागवत में जो सबसे जो बड़ी एकादशी है उसका नाम कहते पांडवा निर्जला। कौन सा एकादशी? सबसे जो बड़ी एकादशी, जो पांडव लोग अपना पत्नी द्रौपदी को साथ में जो एकादशी व्रत को रखा करते थे, सबसे बड़ी एकादशी। द्रौपदी क्या विधवा हो गई थी? नहीं। इसलिए सबको ये एकादशी 8 साल से लेकर के 80 साल तक एकादशी करनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ लोगों का मन में फिर भ्रम है,
कहते फिर एकादशी का फिर उद्यापना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उद्यापन। नहीं, हमारे भक्ति राज्य में कोई उद्यापन का नाम नहीं। जब तक तुम्हारी सामर्थ्य है तब तक रखो, जब तक नहीं कर पाओगे छोड़ दो। इसलिए हमारे भक्ति जगत में उद्यापन का भागवत में कोई नाम नहीं, क्योंकि जो एकादशी लक्ष्मी स्वरूपिणी है उसको थोड़ी हम छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारी समर्थ है तब तक व्रत रखो, जब तक समर्थ नहीं नहीं रखना, कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। इसलिए एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्न में गो हत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, पिता माता हत्या और ब्रह्म हत्या, जो सबसे बड़ा जो पांच जो पाप है, एकादशी का दिन अन्न में रहते हैं। जैसे सोमवार नहीं करोगे, मंगलवार नहीं करोगे ना, कोई हानि नहीं तुम्हारी, लेकिन अगर एकादशी व्रत नहीं करोगे तो हानि है, एकादशी व्रत नहीं करोगे तो हानि है, हैं? इसलिए आप लोग सबके सब श्री एकादशी व्रत रखो। इसका अधिष्ठात्री देवता स्वयं वाकेली आई कृष्ण कहते, जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, जिसको ऊपर में ठाकुर जी की कृपा हो जाए उसको ऊपर में सबके सब उसको ऊपर में कृपा करते हैं, ठीक है। सबके सब भगवान का नाम जप करना, एकादशी व्रत रखियो। और जैसे आज हमारे क्या प्रभु जी क्या नाम, लविंद्र, ललित, ललित, ललित माधव दास, यहाँ का नाम क्या है, लविंद्र प्रभु। और पिताजी का नाम श्री राम स्वरूप सिंह, श्री राम स्वरूप, राम स्वरूप, क्या नाम देखो। और प्रभु जी क्या नाम, अब का नाम क्या है, पिताजी है, पिताजी है। देखो आज इन्होंने अपना घर में संत को बुलाए, घर में सत्संग हो रही है, घर में भगवान की कथा हो रही है। जिस दिन हमारे घर में संत आए, जहाँ हरि चर्चा हो, भगवान की कीर्तन हो, कहते वो घर घर नहीं वो भगवान का धाम हो, भगवान की धाम। इसलिए आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, ठाकुर जी को शांति सुख दे, जीवन में मंगलमय करे, ये खूब फलते फूलते रहे, खूब भजन करे, हैं? जैसे आप लोगों का घर में जैसे बच्चे का बर्थडे हो, नहीं तो तुम्हारी शादी की कोई सालगिरह हो, इनके बेटे का, हाँ, आज उनको बेटे का जन्म तिथि में आज उन्होंने ये घर में भक्तों को बुलाया कीर्तन हो। देखो आज कितने सुंदर सत्संग हुई, ठाकुर का नाम कीर्तन हुई। हाँ कहते इसका फल किसको मिलेगा, कहते जिसकी उद्देश्य में आज ये सत्संग हो रही है आज उनको ये सारे फल मिलेगा, ये बच्चे को सारे फल मिलेगा, क्योंकि इसकी उद्देश्य में आज ये सत्संग हुई। अगर आप बच्चे घर में आपका भी कोई बर्थडे हो ना, शादी की सालगिरह हो, इधर उधर डिस्को डांस, उल्टा पुल्टा, गंदी गंदी फिल्म पर नाचना, कितने बोतल तुड़वा देते हैं, बोतल ना हम किसको मांस खिलाते हैं, शराब खिलाते हैं, हैं? अरे इसको बंद कर दो, ए, बंद करो उसको, आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा, जनरेटर भैया 5 मिनट के लिए बंद करो, कीर्तन में खोल देना। इसलिए घर में जब ये बच्चों के लिए, जब ये बच्चों के लिए ये सब चीज हो ना, तब इनको ऊपर में संतों का आशीर्वाद होता है, भगवान की इनको ऊपर में भगवान का आशीर्वाद होता है, ठीक है ना। इसलिए पैसा को इधर उधर खर्चा नहीं करके, उल्टा पुल्टा लोगों को बुला करके, अरे इसको बंद करो, बंद कर दो उसको, हाँ हरे कृष्णा, हाँ। इसलिए इधर उधर काम नहीं करके शराब फराब, देखो एक संतों का कहना है, एक बहुत बड़े संत कहते थे, जिस बच्चे के उद्देश्य में हमने अगर शराब पिलाया, किसको मांस खिलाया, किसकी उद्देश्य में, ये बच्चे के उद्देश्य में, वो कहते थे अगर उसका 100 साल उम्र होगा ना, उसी दिन वो 50 साल में उतर करके आ जाएगा, उसी दिन में ही वो 50 साल में उतर करके आ जाएगा। क्यों? जिसकी उद्देश्य में तुमने इतने बोतलों तुड़वाया, बोतलों तुड़वाना जानते हो कि नहीं, शराब पिलाए तुमने, मांस खिलाया, तो बच्चे का कभी कल्याण हो सकता है, संत कहते थे, बहुत बड़े संत कहते थे, कभी उस बच्चे का कल्याण नहीं होगा। लेकिन जिस बच्चे के उद्देश्य में सत्संग हो, ठाकुर का कीर्तन हो, क्या होगा, भगवान का कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। इसलिए आपका घर में अगर कोई उत्सव हो, हमारी यहाँ पर मंदिर ही है, हैं, हम लोग तो बड़ौदा से आए, इसलिए आप लोग को बुला लेना घर में, ऐसे सत्संग कराओ, हरि कीर्तन कराओ, जिसको द्वारा बच्चे को ऊपर अच्छे संस्कार पड़े, संस्कारी बने, भजन करे, और तुम्हारी घर भगवान की धाम बन जाए, ठीक है। इसलिए आप लोग को जिनकी मन में इच्छा होगी, आप लोग यहाँ पर प्रभु जी ये लोग रहते हैं, हैं? अब इन लोगों को बोल देना
ये लोग हम लोगों को खबर भेजा दे पहुंचा देंगे और भक्त लोग आगे कीर्तन करेंगे। और जिन लोगों की इच्छा होगी हम माला जप करना चाहते हैं, चार ही बहुओं में जो सबसे जो छोटी बहू थी जिसको राजा जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करके रखा है, जिसकी इच्छा होगी हम माला जप करेंगे। ये जब कीर्तन समाप्त हो जाएगी फिर आप लोग एक एक माला ले लेना घर में, आप भी करो बच्चों को भी माला जप कराओ। जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा हो वही घर भगवान का धाम, वही वृंदावन बन जाएगा है। बच्चे लोग अच्छे संस्कारी बनेंगे और जाते समय माला लेकर जाना, ठीक है? कौन कौन लेगा हाथ उठाओ, तो हाथ उठाओ, कौन कौन माला लेगा? देखो है तो डर गए, भगवान का नाम कैसे जप करेंगे, इतना गंदा काम कैसे, इतना कथा, इतनी कथा आप लोगों ने जो सुनी है, चौथा वो तो भगवान के नाम हुआ ना, जो साथ में जाएगी जिसको नेग्लेक्ट कर रहे हो वही तो साथ में जाएगी। इसलिए सबके सब एक एक माला लेकर जाओ क्योंकि यही अंतिम समय में यही हमारी काम में आने वाले और कोई काम में आने वाले नहीं, ठीक है? जाते समय एक माला ले लेना। अभी हमारे प्रभु जी एक सुंदर होली का भजन गाओ। हाँ अभी चला दो जनरेटर, चलाओ जनरेटर, चला दो। हरे कृष्ण, आप फटाफट आओ प्रभु। हरे कृष्ण हरि बोल। एक मिनट सुनिए, बड़ौद के अंदर हरि बोल। हरे कृष्ण बड़ौद के अंदर हर गुरुदेव यहाँ पर कथा करने आए थे 3 साल पहले, कथा होती यहाँ पर, कथा का आयोजन आप लोगों के द्वारा बहुत अच्छा रहा था। तो एक तो सबसे बड़ी हमें गलानी ये होती है कि हमारे वरिष्ठ प्रभु बैठे, नरेंद्र प्रभु बैठे, जिनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि बात पथ में प्रचार अच्छा होना चाहिए। मैं सोच रहा था कब मुझे माइक मिले, मैं ये बात बोलूँगा तो वो गुरुदेव ने पहले ही माइक देखा मेरे को। तो मैं आपसे ये विनती है मेरी हाथ जोड़ करके कि यहाँ पे प्रचार जो रुक गया हमारा, चलो तो 1 साल तो कोरोना काल में निकल गया कोई बात नहीं है, हमारे बीच से काफ़ी लोग चले गए जो है, तो ये प्रचार जो हमारा रुक गया है इस प्रचार को आप दोबारा स्टार्ट करें। जो भी हमारे से जो भी सहयोग होगा हम सहयोग आपके साथ 24 घंटे हैं। महीने में एक बार यहाँ पर के बुला करके आप सत्संग कराएं, आपको सिर्फ बैठने की व्यवस्था करनी है और हमारे भोजन की कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना? तो भी ये सोचिए भाई इनको प्रसाद खिलाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, साउंड अपना लेकर आएंगे, दरबार अपना लेकर आएंगे, अपनी गाड़ी से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। और तीसरी बात ये बता रहा हूँ मैं, जो हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से बड़ौद के अंदर जहाँ पे अब हमारा मंदिर है गौशाला के ऊपर, उसके जो बराबर वाली जगह पड़ी थी फील्ड में जहाँ पे गायें घूमती हैं, वो गुरुदेव के आशीर्वाद से वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जो उसकी कुछ नींद फूल गई है, कुछ फूलने वाली है, ये काम सुचारू रूप से चलेगा। आप सभी वहाँ पर आइए, दर्शन करिए और उसमें जो भी आपसे बन पड़े, कोई ईंट दे, कोई सीमेंट के बोरी दे, कोई रोड़ी दे, कोई डस्ट दे, कोई रेत दे, कोई सरिया दे, अगर ये भी नहीं दे सकता तो वहाँ पर आकर अपने सुझाव दे रहे इस मंदिर का रूप कैसे रखें बनाने के लिए। वो हमारे गुरुदेव की इच्छा है कि बड़ौद के अंदर जो मंदिर बने ना, ऐसा मंदिर बने भगवान जगन्नाथ जी का कि आसपास सब लोग उस मंदिर को देखने आए कि भाई बड़ौद के अंदर जो मंदिर बना है, आप गुरुदेव यहाँ पर आए थे 1 साल में कथा करी थी तो उनके अनुभव में मंदिर बना है। हाँ देखो कृष्णा उद्धव जी को कहते बोले, उद्धव जी अगर मेरे कोई मंदिर बनता है उसमें केवल एक ईंट, उसमें केवल एक ईंट अगर कोई दे देना उसको गोलोक वृंदावन में नहीं उसके लिए महल बना देता हूँ। भगवान खुद कहते हैं अगर आप लोगों का समर्थ हो, कोई अगर ईंट दे सकते हो, कोई सीमेंट, कोई सरिया, जो आपका संभव अगर दे सकते हो आप दे सकते हो मंदिर के लिए। अब ये बच्चे का आज जन्म जब जन्म तिथि है, ये इसकी उद्देश्य में ये सत्संग की गई, आपको जो फूल दे रहे हैं आप लोग ये फूल लेकर के मैं मंत्र बोलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बच्चा फूल ज्यादा दे दो इसको हाथ में, वो कोई से दे देगा, 3-4 जगह में फूल दे दो वो पीछे पीछे दे देंगे, पीछे पीछे दो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलो, बोले ओम स्वस्ति ना।
गोविंदा गोविंदा स्वस्तिना स्वस्तिना अच्युतानंदो अच्युतानंदो स्वस्तिना स्वस्तिना वासुदेव वासुदेव विष्णु विष्णु दधातु दधातु स्वस्तिना स्वस्तिना वैनतेयो वैनतेयो हरिहि हरिहि स्वस्तिना स्वस्तिना अंजनासुत अंजनासुत अनु अनु भागवतो भागवतो तथातु तथातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेश सुमंगलैकेश महान श्री कृष्ण महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर सर्वेश्वरेश्वर तथातु तथातु लाभस्तेषां लाभस्तेषां जयस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां कुतस्तेषां पराभव पराभव येषां येषां इन्दिवरस्याम इन्दिवरस्याम हृदयस्थो हृदयस्थो जनार्दन जनार्दन माधव 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 बाची बाची माधव 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 प्रीतिः स्मरन्ति स्मरन्ति साधव सर्वे कार्येषु सर्वकार्येषु माधवं माधवं श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रभु नित्यानन्द द्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द अबल कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय गिरिराज बाबा की जय जय श्री राम। अब हाथ में जो फूल है ये बच्चे को अब हृदय से आशीर्वाद दो, ये बच्चा का जीवन बढ़िया अच्छा बने, सुखमय बने, शांति बने और खूब भगवान की भक्ति और सेवा करे। इसको सर को पहने ये फूल इसको आशीर्वाद रूप में ले लो। बोले गिरिराज महाराज की मंगलम भवतु कल्याणम भवतु सुखी भवतु। इसके आगे बढ़िया पकड़ लेना इसका टोपी गुरुदेव टोपी टोपी गोविंद के लाला की जय यशोदा के लाला की सुन सुन रे यशोदा मैया मैं लेवे आई बधैया सुन सुन रे यशोदा मैया मैं लेवे आई बधैया अरे सुन रे यशोदा मैया चुनरी पे
नरी से तोर मढ़िया Yeah.
Hari bol,
बोले प्रसाद है तो आप लोग अभी आकर के जो हरिनाम जी को लेना है जो हरे कृष्णा और लाइन करके प्रसाद ले जाते हैं।